गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क नहीं दिया था। लास्ट टाइम हम पेज 249 पर थे, सेक्शन 44AD डिस्कस कर रहे थे। बताइए, अगर असेसी 44AD ऑप्ट करता है, उसने 10,000 से ऊपर एक्सपेंस किया है, तो क्या उसे डिसअलाउंस होगी? नहीं होगी, क्योंकि सेक्शंस 28 टू 43 से ओवररूल हो गए हैं। यहां तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम निकाली जाएगी। बताइए, किसी और बिजनेस की डेप्रिसिएशन है, क्या 44AD की प्रिजम्पटिव इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, बिकॉज सेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गवर्न बाय सेक्शन 32(2) एंड दैट इज ओवररूल्ड। क्या आप इस इनकम के अगेंस्ट लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, बिकॉज लॉसेज आर गवर्न बाय सेक्शन 70 to 80। क्या चैप्टर 6 से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? यस। सो ओवररूलिंग द पीजीपी चैप्टर। अगर आप एलिजिबल असेसी हैं, एलिजिबल बिजनेस कर रहे हैं, तो 8% ऑफ द टर्नओवर या फिर यहां पर आप हायर अमाउंट डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट विल बी डीम्ड एज इनकम अंडर द हेड पीजीपी। और अगर पेमेंट्स आप रिसीव कर रहे हैं बाय अकाउंट पे चेक, बैंकिंग चैनल्स, तो 8% की जगह 6% लेंगे। और बताइए, पेमेंट्स हम कब तक देखेंगे? जैसे 31 मार्च 2021 की ईयर एंड है, उसकी पेमेंट कब तक आ गई बाय चेक, तो हम 6% लगाएंगे बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एलिजिबल असेसी में सिर्फ आते हैं इंडिविजुअल्स, HUF, पार्टनरशिप फर्म जो रेजिडेंट है। बट अगर ये चैप्टर 6 से पार्ट C क्लेम कर रहे हैं, 10AA क्लेम कर रहे हैं, तो इनको डिडक्शन, मतलब इनको ये बेनिफिट 44AD नहीं ले सकते। एलिजिबल बिजनेस में प्रोफेशन नहीं आता, 44AE नहीं आता, और 2 करोड़ तक की रिसीट है तभी आप एलिजिबल हैं। इलस्ट्रेशन है, ये हमने लास्ट टाइम कर ली थी इलस्ट्रेशन। पॉइंट 2 भी हमने कर लिया था कि एजेंसी बिजनेस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा, कमीशन एजेंट पर ये सेक्शन नहीं लगेगा, प्रोफेशन पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। जितनी भी डिडक्शंस हैं आपकी, ये एज्यूम करेंगे कि सारी डिडक्शंस आपको अलाउ कर दी गई हैं। डेप्रिसिएशन भी मान ली जाएगी आपको अलाउ कर दी गई है, और आपका ब्लॉक ऑटोमेटिकली रिड्यूस माना जाएगा। बताइए, जो पार्टनर की सैलरी होती है, क्या जो हमने 8% इनकम निकाली उसमें से अलाउ होगी? नो, वो भी अलाउड मानी जाएगी। सो पहले लॉ ये कहता था कि जो आपने 8% इनकम निकाली उसमें से आप फर्दर पार्टनर के सैलरी इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, वो प्रोविजन हटा दिया गया। एंड नाउ 8% आपकी डीम्ड इनकम है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ये माना जाएगा दिस इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैलरी पे टू द पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर्स। पार्टनर की सैलरी 37(1) में अलाउगी, 28 to 43 इज ओवररूल्ड। सो सारी डिडक्शंस आपको अलाउ कर दी जाएंगी एंड नो फर्दर डिडक्शन अंडर दो सेक्शन शैल बी अलाउड। सिर्फ 44AE में जो प्रिजम्पटिव इनकम निकालते हैं हम, उसमें से फर्दर लेस करते हैं पार्टनर का सैलरी इंटरेस्ट। दैट इज ओनली इन सेक्शन 44AE। पहला मेरा इलस्ट्रेशन है कि आपने 1 लाख साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया, आपको अलाउ नहीं होगा बिकॉज सेक्शन 35 इज ओवररूल्ड। आपने कैश पेमेंट की, डिसअलाउ नहीं होगी बिकॉज 40A3 इज ओवररूल्ड। ये कह रहे हैं हम हर साल WDV ऑफ एसेट कम करेंगे, ये मानते हुए कि आपको डेप्रिसिएशन पूरी अलाउ हो गई है ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आप 44 एडी ऑप नहीं करते तो रिड्यूस WDV पर डेप्रिसिएशन मिलेगी आपको। नेक्स्ट पेज, आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। बट अगर आप 44 एडी ऑप्ट करते हैं देन आपको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देना है, वो कब? 15 मार्च। तो असेसी को एडवांस टैक्स देना तो जरूरी है बट इंस्टॉलमेंट्स उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ही हैज टू पे द एंटायर एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15th of March। 44 AD4 और AD5 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक बार इस सेक्शन को ऑप्ट कर लिया आपने तो इस सेक्शन से 5 साल आप बंद जाएंगे। इस सेक्शन को ऑप्ट कर लिया आपने तो 5 साल ये सेक्शन आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर इन 5 साल में आपने सेक्शन से बाहर निकलना चाहा, निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं। तो एक बार इस सेक्शन को ऑप्ट कर लिया, 5 साल के लिए सेक्शन से बंद गए। बट अगर इन 5 साल में आपने ऑप्ट आउट करने की कोशिश की तो हम अलाउ कर देंगे, बट फिर अगले 5 साल इस सेक्शन में एंटर नहीं करने देंगे आपको। सो सेक्शन ऑप्ट कर लिया, 5 साल इस सेक्शन से बंद गए आप, और इन 5 साल में अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहेंगे हम ऑप्ट आउट करने देंगे, फिर अगले 5 साल इस सेक्शन को यूज नहीं करने देंगे आपको। और अगर सेक्शन से ऑप्ट आउट कर गए आप, अगर आप सेक्शन से ऑप्ट आउट कर गए तो अगले 5 साल क्या होगा? इस सेक्शन में नहीं आ सकते। और फिर अगले 5 साल का आपका ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। Where an eligible assessee declares profits for any previous year, page 251. Where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with provisions of subsection 1. तो अगर आप 1 साल इस सेक्शन ले लिया आपने तो अगले 5 साल ये सेक्शन मैंडेटरी है। और अगर अगले 5 साल में से किसी में भी आपने बाहर निकलने की कोशिश की तो क्या होगा? देन ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन फॉर 5 असेसमेंट ईयर्स subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which profit has not been declared in accordance with provisions of subsection 1. तो अगर 5 साल के ब्लॉक में आपने इस सेक्शन को नहीं लिया तो उस साल सेक्शन से बाहर हो गया आप, अगले 5 साल इस सेक्शन से बाहर आएंगे। एंड 44 AD5 कहता है, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, an eligible assessee to whom provisions of this subsection 4 are applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax shall be required to keep and maintain such books of accounts or other documents as required in 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under 44AB. तो जिस साल इस सेक्शन से बाहर निकले आप उससे अगले 5 साल आपको ऑडिट करवाना जरूरी है, अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, चाहे आपकी टर्नओवर 40 लाख रह जाती है, चाहे आपकी टर्नओवर 40 लाख रह जाती है। अगर टर्नओवर 44 आपने 44 एडी ऑप्ट किया और टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया फिर तो इस सेक्शन से बाहर हो गए आप ऑटोमेटिकली। फिर आप दोबारा जब टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हो जाता है सेक्शन में आ सकते हैं, फिर 5 साल वाली कंपल्शन नहीं लगेगी। वॉलेंटरी ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, करेक्ट। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा। ओके, सॉरी, 1 मिनट एक मिनट, पेज 44 AB में ये 44 AB, पेज 230, पेज 230,44 AB का पॉइंट ई पढ़िए पेज 230 पर, पेज 230 पर पॉइंट ई पढ़िए। अ पर्सन कवर्ड बाय सेक्शन 44 AD वेयर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD 4 आर एप्लीकेबल, जहां 44 AD 4 लग जाता है, एंड इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो आपको ऑडिट करवाना मस्ट है। जल्दी बताइए, provided at this section shall not apply to the person who declares the profits and gains for the previous year in accordance with the provisions of 44 AD, and his total sales turnover gross receipts do not exceed ₹2 crores. तो अगर आप 44 AD ऑप्ट करके वहां पर इनकम दिखा रहे हैं एज पर 44 AD, तो ना तो आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। नोट कीजिए, अच्छा पेज 251, पेज 251 एनालिसिस देखिएगा। एन एलिजिबल असेसी हु डिक्लेयर्स द इनकम एज पर प्रोविजंस ऑफ 44 AD 1 एंड हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹2 crores इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर 44AA एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट टैक्स ऑडिट डन अंडर 44 AB सॉरी। An assessee who has been declaring income as per section 44 AD, say for assessment year 21-22, and if it declares the income of assessment year 22-23 to 26-27, अगले 5 साल, less than 8%, say for assessment year 22, he declares the income as less than 8%, तो क्या होगा? Then for assessment year 23-24 to 27-28 ही कैन नॉट ऑफर 44 AD, और इन सभी सालों को उसे क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स द टैक्सेबल लिमिट, बट इफ हिज टर्नओवर सेल एक्सीड्स ₹1 crore देन ही इज रिक्वायर्ड टू गेट टैक्स ऑडिट डन and maintain the books of accounts even if the income does not exceed the taxable limit. तो ऊपर क्या लिखा है कि आपको टैक्स ऑडिट तब कराना है जब इनकम एक्सीड्स द टैक्सेबल लिमिट। तो अगर ये जो 5 साल है इसमें इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं आ रही, बट टर्नओवर ₹1 crore से ऊपर है, तो ऑडिट 44 AB में मैंडेटरी हो गया आपका। इन 5 साल में अगर इनकम आ रही है ₹1.5 लाख इंडिविजुअल के केस में, तो टैक्स ऑडिट नहीं कराना है इसके हिसाब से, बट मेन सेक्शन 44 AB कहता है कि अगर टर्नओवर ₹1 crore से ऊपर है तो ऑडिट वैसे कंपलसरी है आपका। मैं अभी बताता हूं, एक मिनट कर लेते। बट इफ हिज टर्नओवर सेल्स एक्सीड ₹1 crore देन ही इज रिक्वायर्ड to get tax audit done and maintain books of accounts even if the income does not exceed the taxable limit. This is as per the requirements of 44AA and 44 AB. Tax audit is not required if conditions of proviso to 44 ABA जो फाइनेंस एक्ट 20 के अमेंडमेंट आई है वो मीट हो जाती है। पॉइंट 3 देखिए, एन असेसी whose case does not fall in 44 AD 4 एंड इफ इट डज नॉट डिक्लेयर इनकम एज पर 44 AD, आंसर मत देखिएगा आगे, तो क्या होगा बताइए? बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। क्या ऑडिट कंपलसरी होगा? ऑडिट कंपलसरी तभी होगा अगर टर्नओवर एक्सीड ₹1 crore, बट इज टर्नओवर एक्सीड ₹1 crore देन ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर 44AA एंड गेट द ऑडिट डन एज पर सेक्शन 44 AB। एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एग्जांपल्स कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज की पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 44 एडी ओवरराइड करता है सेक्शन 28 टू 43 सी, बट चैप्टर 6 को ओवरराइड नहीं करता. व्हाट इज चैप्टर 6? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. तो जो लॉसेस है करंट ईयर के ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, दे कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी. लेकिन जो डेप्रिसिएशन है, चाहे करंट ईयर हो, ब्रॉड फॉरवर्ड हो, किसी और बिजनेस की, वो सेट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 32 एंड सेक्शन 32 इज ओवररूल्ड. नंबर 2, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 80C टू 80IA से पहले जो है 80CD वगैरह जो है, ये आपको मिल जाएंगी बिकॉज सेक्शन कहीं इन सेक्शंस को ओवररूल नहीं करता है. ATIA मिल जाएगी? अगर ATIA लग रहा है फिर तो सेक्शन लगता ही नहीं आपका. ओके, पॉइंट 3 इंपॉर्टेंट मार्क करिए. ये एक बोर्ड का सर्कुलर है, बताइए कॉन्ट्रैक्टर ये सेक्शन ऑफ कर सकता है या नहीं? कर सकता है. सपोज मैं आपको बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा हूं, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और 60 लाख का मैं आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं, तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितने लेंगे? 1 करोड़, और 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ लेंगे. ये बोर्ड ने क्लैरिफाई किया. The word gross sales imply the amount which the contractor receives from the client for the contract, and it will not include the value of material supplied by the client. अब आप पेज 251 पर एट द बॉटम लिखिए. ये जो है ना पॉइंट नंबर 2, यहां स्टार लगा लीजिए, यहां स्टार लगा लीजिए. नीचे लिखिए असेसमेंट या 23-24 का सेक्शन 44 AD4 लग जाता है, लग चुका है, हैज अप्लाइड. असेसमेंट या 23-24 में सपोज मेरा टर्नओवर है, मतलब एक मिनट लिखते हैं, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 असेसी ऑप्टेड 44 AD. फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 he opts out of 44 AD. तो अब 44 AD4 लग जाएगा, जल्दी बताइए, 44 AD4 लग जाएगा. अब असेसमेंट या 23-24 केस 1 केस 2 टर्नओवर है 80 लाख, टर्नओवर है 120 लाख, टैक्सेबल इनकम है 1 लाख. बिलो टैक्सेबल लिमिट है ये. इंडिविजुअल का केस मान लीजिए, इंडिविजुअल कर लीजिए. बताइए इस केस में टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है या नहीं? क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? 44 AD4 लग गया. सो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड एज पर 44 AD5. यहां टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है या नहीं? 44 AD5 की वजह से रिक्वायर्ड नहीं है. ये तो 44 AB का केस बन गया. टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़. तो 1 लाख ले लिया मैंने. एक मिनट बताइए मैंने सही लिखा नहीं लिखा. इंडिविजुअल है, हाँ. इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है. टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट आ गई ना. सो टैक्स ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड. इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड हेयर एक मिनट रिपीट कर लीजिए वाला. बट टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड एज पर 44 AB क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है. So case उनमें टैक्स ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन क्लियर है अब? बिकॉज इनकम डज नॉट एक्सीड टैक्सेबल लिमिट. नोट if in case 1 total income was 5 lakh, एक मिनट was 5 lakh, तो tax audit required as per 44 AD5 So I hope the issue is now clear. Next page का bottom use करिए. या इसी पेज का टॉप यूज कर लीजिए. इसी पेज का टॉप यूज कर लीजिए. असेसी never opted for 44 AD. assessment year 21-22 में case 1, case 2 turnover है 80 lakh, 120 lakh. इनकम है इंडिविजुअल का कैसे लीजिए. इंडिविजुअल 2 लाख, 2 लाख बताएंगे. टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है या नहीं? बट ये 8% से कम इनकम दिखा रहा है. फर्क नहीं पड़ता। वो तो तब है जब आपने ऑप्ट कर लिया हो, अगले 5 साल में कम दिखाते हैं तो ऑडिट कंपलसरी होता है। यहां तो पहली बार जा रहा है, मतलब पहले कभी लिए नहीं 44AD, तो यहां पर नो 44AB, बट बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी या नहीं। टर्नओवर 25 लाख से ऊपर है, टर्नओवर 25 लाख से ऊपर है तो 44A तो लगेगा, बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी आपको इस वाले केस में। टैक्स ऑडिट तो लग जाएगा आपका, एंड किताबें भी मेंटेन करनी है आपको। मुझे बता सकते हैं केस टू में टैक्स ऑडिट कब नहीं लगेगा? फाइनेंस एक्ट 20, अगर कैश रिसीट्स 5% से कम है, कैश पेमेंट्स 5% से कम है तो टैक्स ऑडिट भी नहीं लगेगा वहां पर। 10 करोड़ की लिमिट है वहां पर। तो तभी देखिए मैंने 44AB की अमेंडमेंट पहले कराई थी, उसके बाद 44AD करा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन माइंड में ना रह जाए। क्लियर है आप लोग? आइएगा पेज 252 सेक्शन 44ADA, पेज 252। ये प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे विनोद गुप्ता है। मैं VG लर्निंग से 4 लाख रुपीस पर मंथ प्रोफेशनल फीस लेता हूं। कितनी होगी टोटल? 48 लाख। तो मुझे कोई और प्रोफेशनल फीस नहीं आती। सो 48 लाख इज माई प्रोफेशनल फीस, और मुझे रेंटल इनकम आती है 20 लाख और अदर सोर्सेज 10 लाख। अब आप बताइएगा ये सेक्शन मुझे लग जाएगा या नहीं। इस सेक्शन में 50% इनकम डीम की जाती है। सो 48 लाख मेरी प्रोफेशनल फीस है, 20 लाख मेरी रेंटल इनकम है और 10 लाख मेरी अदर सोर्सेज इनकम है, बैंक इंटरेस्ट वगैरह। इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट आई है। पहले ये हर असेसी को लगता था, बट फाइनेंस एक्ट 21 ने क्लैरिफाई किया दैट दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में भी LLP को नहीं मिलेगा ये। इट्स ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट अ लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप फर्म। रेजिडेंट होना मस्ट है इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग profits and gains of profession on presumptive basis, notwithstanding anything contained in 28 to 43C, यानी कि पूरा चैप्टर ऑफ P/G/P हमने ओवररूल कर दिया। इन केस ऑफ एन असेसी, अब वर्ड्स एड किए गए फाइनेंस एक्ट 21 से, बीइंग एन इंडिविजुअल और अ पार्टनरशिप फर्म अदर देन अ LLP एंड रेजिडेंट इन इंडिया। सो अभी तक ये सेक्शन सभी एसएससी को लगता था, बट नाउ दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया हु इज एंगेज इन अ प्रोफेशन। प्रोफेशन कौन सा? 44AA वाला, डॉक्टर, CA, लॉयर, इंजीनियर, एंड हुज टोटल ग्रॉस रिसीट्स do not exceed 50 lakh rupees in a previous year. अब बताइए मेरी gross receipts 48 लाख, 20 लाख rental income, 10 लाख other sources, क्या मुझे section लगेगा? पूरा पढ़िए। whose total gross receipts do not exceed 50 lakh in the previous year are sum equal to 50% of the total gross receipts of the assessee in the previous year on account of such profession. यानी ये जो टोटल ग्रॉस रिसीट्स लेंगे नॉट एक्सीडिंग 50 लाख कौन सी है? फ्रॉम प्रोफेशन। and therefore to me this section is applicable, whose total gross receipts, so it's gross receipts in profession, mark kar lijiye gross receipts in profession, do not exceed 50 lakh rupees in a previous year, a sum equal to 50% of the total gross receipts of the assessee in the previous year on account of such profession, या फिर a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the assessee. मैं ज़्यादा क्यों डिक्लेयर करूँगा, 24 लाख इनकम दिखाऊंगा, shall be deemed to be profits and gains of such profession chargeable to tax under the head P/G/B/P. तो देखिए मेरी 48 लाख में से 24 lakh is P/G/B/P income, 20 lakh is rental income, house operating income and 10 lakh is other sources income. तो मुझे ये सेक्शन लेने का फायदा इसलिए है कि मैं कोई एक्सपेंस दिखाता ही नहीं, मैं कहता हूँ जी क्लास लेने आता हूँ, क्लास लेके चला जाता हूँ, कोई खर्चा ही नहीं होता. सो एज सच मेरे बैंक अकाउंट में 48 लाख आता है, 1.5 लाख का खर्चा दिखा देता हूँ मैं, और उस 48 लाख में से सिर्फ 24 लाख इज taxable. Any deduction allowable under the provisions of section 30 to 38 shall, for the purpose of subsection, be deemed to have been already given effect to, and no further deductions under those sections will be allowed. तो मुझे सारी deductions मानी जाएंगी, मिल गई हैं, कोई भी deduction मुझे और नहीं मिलेगी, ना depreciation, ना कोई भी expenditure. और जो मेरे assets हैं उन पे मान लिया जाएगा डेप्रिसिएशन अलाउ हो गई है, और उनकी W.D.V. डीम टू बी रिड्यूस कर दी जाएगी, ये मानते हुए कि डेप्रिसिएशन ने क्लेम किया. ये इसलिए किया जा रहा है कि अगले सालों में अगर मैं 44 ADA से बाहर हो जाता हूँ, क्लेम नहीं करता, तो मुझे रिड्यूस W.D.V. पर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन मिलेगी. द W.D.V. ऑफ एनी एसेट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ द असेसी हैड क्लेम्ड and had been actually allowed the deduction in respect of depreciation for the relevant assessment year जिसमें आप 44 ADA claim कर रहे हैं. Point 4 देखिए, अगर मैं एक डॉक्टर हूं, CA हूं, रिसीट सिर्फ 10 लाख रुपए है, रिसीट सिर्फ 10 लाख रुपए है, तो टैक्स ऑडिट नहीं लगता मुझे, बट मुझे या तो इस सेक्शन में फॉल करना पड़ेगा, 50% इनकम दिखानी पड़ेगी, या फिर सब सेक्शन 4 लगेगा. Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an assessee who claims that his profits and gains from profession are lower than the profits and gains specified in subsection 1 and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required in 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under 44A. तो देखिए आज किसी भी प्रोफेशन की रिसीट 50 लाख से ऊपर है, टैक्स ऑडिट करवाना है, 44ADA नहीं लगेगा. 50 लाख तक की है तो 44ADA में फॉल करिए, 50% इनकम दिखाइए. अगर 50% से इनकम कम दिखाते हैं, चाहे रिसीट्स आपकी 10 लाख है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मस्ट है और टैक्स ऑडिट कराना मस्ट है. अब सबसेक्शन 5 देखिए, एलिजिबल असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, लेकिन मुझे 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स नहीं देना, मुझे एडवांस टैक्स देना है 1 गो में, दैट इज ऑन और बिफोर 15th of March. यहाँ मुझे कुछ इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम आती है कि जो मेरी हाउस ऑपरेटिंग इनकम है, मेरी अदर सोर्सेज इनकम है, क्या मुझे उस पर भी एडवांस टैक्स 15 मार्च को देना होगा? इस बात को हम 234 ABC में स्टडी करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट 44AD. 44AE आप खुद कर सकते हैं, इसमें सिर्फ रटने वाली बात है, फिर भी 2 मिनट लगा देते हैं, 5 मिनट. पेज 253. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं प्लाइंग का, हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस, स्कूल बस नहीं है यहां पर, गुड्स कैरेज है, ट्रक्स वगैरह, पैसेंजर व्हीकल यहाँ कवर नहीं है। Notwithstanding anything to the contrary contained in sections 28 to 44C, in case of an assessee who owns not more than 10 goods carriages, तो ये सेक्शन तब लगेगा अगर आप ओन करते हैं नॉट मोर देन 10 कैरेजेस का एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर साल में एक दिन भी आपके पास 11 ट्रक हो गए तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। who owns not more than 10 goods carriages at any time during the previous year and who is engaged in the business of plying, hiring, leasing such good carriages, the income of such business shall be computed as under heavy goods vehicle 1000 rupees per ton। ये amendment आई है Finance Act 18 से 1000 rupees per ton of gross vehicle weight or unladen weight, as the case may be, for every month part of the month during which the heavy goods vehicle is owned by the assessee। यूज नहीं है, owned है। अगर आप जब से ओन करेंगे तब से ये इनकम निकालनी शुरू कर देंगे, चाहे आपने यूज 2 महीने बाद किया हो। हम तो ओनरशिप से इनकम निकालेंगे आपकी। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 रुपीज पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट, अनलेडन वेट, जो भी हो आपका एज अ केस में भी, पार्ट ऑफ द मंथ, फुल मंथ के लिए, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग विच हैवी गुड्स व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर, या फिर हायर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय द असेसी। अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल एंड देन 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ during which the goods carriages owned by the assessee in the previous year or an amount claimed to be higher earned by the assessee। So 7,500 per month, और per month कब से निकालेंगे? From the date of ownership, not usage। Goods carriage होता है, goods के जो carry करता है। Gross vehicle weight means in respect of any vehicle the total weight of the vehicle and load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle। Unladen word छोड़ दीजिए। Heavy goods vehicle means any goods carriage the gross vehicle weight of which exceeds 12,000 kilograms। 12,000 kilograms ये important है। अगर आपने vehicle hire purchase पे लिए है, इंस्टॉलमेंट पे लिए है, तब भी इस सेक्शन में फॉल करेंगे। 0.5 ये कहता है। अब सारी डिडक्शंस आपको क्या मानी जाएंगी? अलाउड मानी जाएंगी। यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है। जो मेरी प्रिजम्प्टिव इनकम निकलेगी नेक्स्ट पेज पर हाईलाइट करिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ। वैसे जो प्रिजम्प्टिव इनकम निकलेगी, पार्टनरशिप फर्म अगर है, आप हैं, तो उस प्रिजम्प्टिव इनकम में से फर्दर क्या लेस करेंगे आप? सैलरी, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। दिस इज नॉट देयर इन 44 एडी, दिस इज नॉट देयर इन 44 एडी। ये मुझे भी नहीं आता अनलेडेड वेट क्या होता है। तो मालूम है, मुझे भी एक्सप्लेन किया है, बट पढ़ेंगे तो मतलब नहीं निकलता है इसका। देखिए जहाँ जरूरत होती मैं करा देता हूँ, इसकी तो मैं एक लास्ट फेज तक करवाते ही नहीं, तो मैं खुद पढ़ लीजिए। एक तो 44 AD A में प्रेजम्प्टिव इनकम से हम पार्टनर्स की सैलरी कम नहीं करते, बट यहाँ कम करते हैं। यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट नहीं करवाना आपने, अगर आप प्रेजम्प्टिव इनकम निकाल रहे हैं। 0.5। अगर आप लोअर इनकम दिखाते हैं, अगर आप लोअर इनकम दिखाते हैं तो क्या होगा? टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा आपको, किताबें भी मेंटेन करनी पड़ेंगी, और यहां टैक्स ऑडिट के रिक्वायरमेंट है इवन इफ द इनकम इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट। बाकी सेक्शन में पढ़ा आपने, अगर आप कम इनकम दिखाते हैं तो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब इनकम एक्सीड्स टैक्सेबल लिमिट। सो इन अदर वर्ड्स, if assessee claims that his income is lower than the income deemed under 44A, then he shall have to get his accounts audited under 44AB and furnish the report within the prescribed time period. इसके आगे लिखे even if his income is below taxable limit. ये देखिए 10 गुड्स व्हीकल है, इनका वेट ये है, इनको तो हैवी गुड्स नहीं मानेंगे हम, 12,000 किलो से कम है तो यहां 7,500 पर मंथ इनकम है, और जहां 12,000 से ऊपर है वहां हैवी गुड्स मान के पर 1,000 टन 1,000 रुपीज पर टन इनकम निकालेंगे। क्लियर है? देखिए इंस्टीट्यूट इतना तंग करती है कि मैं भी हिल गया, मैं भी हिल गया। इन्होंने एक एमसीक्यू दिया, एक नॉन रेजिडेंट के पास 10 ट्रक है, कहा उसने इतना ग्रॉसरी शीट्स हैं, इतनी एक्सपेंसेस हैं, इतना नेट प्रॉफिट आ रहा है। In other words, they were trying to ask you whether 44AE is applicable for non-resident. मैंने कभी सोचा नहीं था ये पूछेंगे। AE क्या ये NRs के लिए भी एप्लीकेबल है? Yes. ये बात सिर्फ इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, मैंने भी कभी नहीं देखा था NSSC, जबकि 44AD और ADA में बड़ा क्लियरली लिखा है रेजिडेंट। सो 44A इज फॉर बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था, मॉक टेस्ट में आया था। मैं आपको सारे मॉक टेस्ट भी करा दूंगा, आपको। ये क्वेश्चन लेटेस्ट मॉक टेस्ट में आया था। चलिए आइएगा पेज 224 पर। प्रोफेशनल में जो 44AA1 में दिए हुए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो लिस्ट दी हुई है यहां पर, फिल्म आर्टिस्ट वगैरह, ये थे ना हमारी लिस्ट AA में। 44AA में जो लिस्ट थी ये वाली, अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, ये सब आइएगा। पेज 224 देखिए, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं और एग्रीकल्चर भी करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग से मेरे 200 लाख की रिसीट्स है, एग्रीकल्चर से मेरी 100 लाख की रिसीट है। इसके मेरे एक्सपेंसेस हैं 50, इसके एक्सपेंसेस हैं 20, नेट प्रॉफिट आ गया मेरा 230। अब जब मैं टैक्सेबल इनकम की स्टेटमेंट बनाता हूं तो क्या करता हूं? नेट प्रॉफिट 230 less exempt income 100, 130. जो एक्सपेंसेस हैं किसके एग्जेम्प्ट इनकम के वो भी अलाउ नहीं होने चाहिए। जब इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं होने चाहिए। बताइए सेक्शन 14A ऑन पेज 224 सेक्शन 14A कहता है कि अगर इनकम एग्जेम्प्ट है, इनकम एग्जेम्प्ट किस सेक्शन में है? सेक्शन 10। मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि ATIA में इनकम एग्जेम्प्ट है, मैंने कहा था ठीक करता हूं अपने आप को, इनकम एग्जेम्प्ट नहीं डिडक्टेबल होती है। ATIA IB एग्जेम्पशंस नहीं होती, वो क्या होती हैं? डिडक्शंस होती है। तो ये सेक्शन वहां नहीं लगेगा, ये कब लगेगा? जब इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है। सो अब देखिए क्या है, मेरी कंपनी लीजिए VG लर्निंग डेस्टिनेशन, मेरे पास कुछ टैक्स फ्री सिक्योरिटीज भी हैं। मेरे पास कंपनी के पास कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिस पर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, जिस पर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। अब जो एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट है वो तो मेरी इनकम से लेस हो जाएगा। अब बताइए मेरे एक्सपेंसेस क्या हुए जो इस एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेट करते हैं। अगर सपोज मैंने लोन लेकर इन इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा था, फिर तो जो लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा 14A में। बट मैं कहता हूं जी मैंने कोई खर्चा ही नहीं किया, मैं कह रहा हूं कोई लोन ही नहीं लिया मैंने, ये तो बस इन्वेस्टमेंट पड़ी है इंटरेस्ट सारा एग्जेम्प्ट। बट लॉ मेकर्स कहते हैं कि इनडायरेक्ट खर्चा होता है। आपका अकाउंटेंट भी इस पे काम कर रहा है, जो अकाउंटेंट काम कर रहा है कुछ समय दे रहा है इस इंटरेस्ट इनकम पर, ऑडिटर भी चेक कर रहा है, ऑडिट फीस का भी कुछ कंपोनेंट वहां जा रहा है चेक करने में, या नहीं? तो लॉ मेकर्स कहते हैं कुछ पोर्शन हम मानेंगे एक्सपेंसेस का है टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट इनकम, और उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। और एक्सपेंसेस का कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट इनकम की तरफ माना जाएगा, दैट इज रूल 8D। सेक्शन पढ़ते हैं। अब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बताइए क्यों नहीं रहा? प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं रहा। मैंने कहा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर तक डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होती थी और सभी असेसीज के पास शेयर्स होते हैं, डिविडेंड इनकम आती है, वहां ये सेक्शन लग जाता था। बट इस साल से डिविडेंड इनकम क्या हो गई है? टैक्सेबल हो गई है। तो मेजॉरिटी केसेस में अब ये सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक सभी के पास शेयर्स होते हैं, डिविडेंड आता है, उस पर एओए लगाता था सेक्शन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम नॉट इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम, यानी एक्सपेंस किया आपने उस इनकम पर जो नॉट इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम है, मींस जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। मैं बड़ा एम्फेसिस दे रहा हूं इस बात पर, वो इनकम जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है उसकी बात कर रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे आपको। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल इनकम अंडर चैप्टर 4 इज 5 हेड्स ऑफ इनकम, आगे लिखा हुआ है चैप्टर 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इट कंटेन्स द 5 हेड्स ऑफ इनकम। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred by the assessee in relation to income which does not form part of total income under the income tax act, that is exempt under section 10। लिख लीजिए तो सबसेक्शन 1 में कह रहे हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम निकालने में अगर कोई इनकम आ रही है जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है तो उसके रिलेशन में आपने एक्सपेंडिचर कर किया है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। सबसेक्शन 2 कहता है कि आपने बताया जी कि इतना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है टू अर्न द एग्जेम्प्ट इनकम। आपने कहा एग्जेम्प्ट इनकम 1 करोड़ है, मैंने 2 लाख खर्चा किया है टू अर्न द एग्जेम्प्ट इनकम, यानी आपने 2 लाख को डिसअलाउ कर दिया है। सबसेक्शन 2 कहता है कि एओ आपके क्लेम से सेटिस्फाइड नहीं है। एओ कहता है जी नहीं 2 लाख नहीं ज्यादा खर्चा किया आपने, तो एओ रूल 8D लगाकर निकालेगा कि कितना आपने खर्चा किया है टू अर्न द एग्जेम्प्ट इनकम और उसको डिसअलाउ कर देगा सेक्शन 14A में। द ईओ शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred in relation to such income which does not form part of total income under the Income Tax Act in accordance with such method as may be prescribed. And what is the method as may be prescribed? Rule 8D. If the AO Rule 8D लगा सकता है, कब लगा सकता है? If the AO not satisfied with the having regard to the accounts of the assessee is not satisfied with the correctness of the claim of the assessee in respect of such expenditure in relation to such income which does not form part of total income under the Income Tax Act. 3 कहता है कि आप कहते हैं मैंने कोई खर्चा किया ही नहीं एग्जेम्प्ट इनकम निकालने अर्न करने के लिए, तो एओ रूल 8D लगाकर जो एक्सपेंस आपने एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए किया वो निकालेगा, उसे डिसअलाउ कर देगा। The provisions of subsection 2 shall also apply in relation to a case where an assessee claims that no expenditure has been incurred by him in relation to the income which does not form part of total income. So, दोबारा देखिए सबसेक्शन 1 तो एक जनरल बात कर रहा है कि एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो डिसअलाउ किए जाएंगे, वो अलाउ नहीं होंगे while computing the taxable income. सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? असेसी कह रहा है कि मैंने 1 करोड़ की एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च किया है, उसको डिसअलाउ किया है असेसी ने। एओ उसके क्लेम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एओ रूल 8D लगाकर कितना एक्सपेंडिचर आपने अर्न किया टू अर्न द एग्जेम्प्ट इनकम वो निकालेगा, उसको डिसअलाउ करेगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? अगर आपने ये मान के लिया है कि कोई भी एक्सपेंस आपने नहीं किया है, अगर असेसी कहता है कि मैंने कोई खर्चा किया ही नहीं एग्जेम्प्ट इनकम निकाल अर्न करने के लिए तो भी ए और रूल 8D लगाएगा और निकालेगा कितना खर्चा आपने किया है एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए, उसे डिसअलाउ कर देगा रूल 8D। मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर in relation to income not includable in total income. ये अच्छी बात बताइए रूल 8D में जो तरीका दिया है डिसअलाउंस का, क्या मुझे जब मैं रिटर्न बनाता हूं तो मुझे भी उस हिसाब से डिसअलाउ करना चाहिए या मुझे अपने हिसाब से डिसअलाउ करना चाहिए? अपने हिसाब से करना चाहिए। क्यों? 8D तो एओ लगाएगा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल 2 में हम असेसमेंट स्टार्ट करेंगे कि सारे केसेस स्क्रूटनी में नहीं आते, 95% केसेस स्क्रूटनी में लगते ही नहीं, आपके एज इट इज निकल जाते हैं, तो वहां तो आप पकड़े ही नहीं जाएंगे, वहां तो ए रूल 8D लगा ही नहीं पाएगा। तो रूल 8D मैं खुद नहीं लगाता, मैं तो जो मेरे हिसाब से डिसअलाउड एक्सपेंडिचर वो डिसअलाउ करता हूं। लेट द ए अप्लाई रूल 8D। रूल 8D कब लगेगा? वेयर एओ हैविंग रिगार्ड टू द अकाउंट्स ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय द असेसी और क्लेम ऑफ द असेसी कि उसने कोई एक्सपेंडिचर इनकर नहीं किया है इन रिलेशन टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम अंडर द एक्ट ऑफ सच प्रीवियस ईयर he shall determine the amount of expenditure in relation to exempt income as per sub rule 2. ये कह रहे हैं पेनल्टी होगी या नहीं, इसकी बात हम सेकंड मॉड्यूल में करेंगे। जो आप पेनल्टी का लॉ सोचते होंगे और जो पेनल्टी का लॉ निकलेगा तो बिल्कुल फर्क होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, पेनल्टीज में मैं 4 लेक्चर लगाऊंगा, 4 लेक्चर, एक सिंगल पेनल्टी नहीं कराऊंगा। यू मे बी सरप्राइज कि 4 लेक्चर ऑन पेनल्टीज एंड नॉट अ सिंगल पेनल्टी, 4 लेक्चर ऑन पेनल्टीज एंड नॉट अ सिंगल पेनल्टी। तो पूरा प्रोसीजरल पार्ट देखेंगे हम। पेनल्टी तो रटने वाली बात होती है, टैक्स ऑडिट नहीं कराया, 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स और 150 विच एवर इज लोअर। तो पेनल्टी के चैप्टर में ये नहीं कराने वाला मैं कि इस डिफॉल्ट की ये पेनल्टी है, इसकी ये पेनल्टी है, ये तो हम ग्रेजुअली कोर्स में करते ही जा रहे हैं। जैसे अभी तक देखिए हमने 3 पेनल्टी की है, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं पूरे कोर्स में धीरे धीरे पेनल्टीज कराता चला जाऊंगा। अभी तक मैं आपको 3 पेनल्टीज करा चुका हूं। एक 4 करा चुका हूं, 4। एक तो 2 सेक्शन ST 2 लाख या उससे ऊपर कैश रिसीव करते उतनी की पेनल्टी है। नंबर 2 271 वही है, वो तो डी है। दूसरी की थी आपने 271 केस साइंटिफिक रिसर्च में, फाइनेंस एक्ट 20। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन सर्टिफिकेट नहीं देती, स्टेटमेंट नहीं देती, पेनल्टी ऑफ 10,000 टू 1 लाख रुपीज। तीसरी पेनल्टी टैक्स ऑथेंटिटी कराया, 0.5% ऑफ सेल्स 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। चौथी पेनल्टी बुक्स नहीं मेंटेन की, 25,000 की पेनल्टी। तो ग्रेजुअली हम पेनल्टीज करते चले जाएंगे। अब देखिए एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउ करेगा ये हो। आप बताइए जो मैंने स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर इनकर किया है टू अर्न द एग्जेम्प्ट इनकम, जैसे मैंने बैंक से लोन लेकर टैक्स फ्री सिक्योरिटीज खरीदी, उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो डिसअलाउ होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इनकम को टैक्स नहीं कर रहा, इनकम को एग्जाम डिक्लेयर कर रहा हूं, एग्जाम ट्रीट कर रहा हूं, तो एक्सपेंस पे अलाउ नहीं होना चाहिए। तो क्लॉज 1 में कोई दिक्कत नहीं है। द एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम which does not form part of the total income shall be aggregate of the following amounts, namely 1. The amount of expenditure directly relating to income which does not form part of total income. इस पे कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। पहले क्लॉज 2 बहुत खराब होता था, और इंडस्ट्री वाले रोते थे क्लॉज 2 की वजह से। क्या था क्लॉज 2, उसकी बात नहीं करेंगे। सो पहले क्लॉज 2 क्लॉज 3 होते थे, ड्रैकोनियन क्लॉजेस, जहां रफली 3 to 4% डिसअलाउ हो जाती थी, 3 to 4% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया है ना टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में, उसका रफली 4% डिसअलाउ हो जाता था मुझे, और इंडस्ट्री वाले रोते थे कि कैसे डिसअलाउंस कर रहे हैं आप ये। अल्टीमेटली अरुण जेटली ने बिफोर ही डाइड उसने ये रूल चेंज कर दिया था, सब रूल 2 अच्छा कर दिया। अब सब रूल 2 देखिए, मुझे पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है इसमें। जिन इन्वेस्टमेंट से टैक्स फ्री इनकम आ रही है उसका 1% किसका लेंगे हम, एनुअल एवरेज। एनुअल एवरेज इसका मंथली बैलेंसेस। एन अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ the annual average or the monthly averages of the opening and closing balances of the value of investments. कौन से investments? जिसकी income does not form part of total income. And अरुण जेटली ये प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस कर गए थे, जिसे इंडस्ट्री ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। कुछ केसेस में क्या हो रहा था, जो डिसअलाउंस निकाली जा रही थी से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। एक बात बताइए, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में है। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में है। 10 करोड़ का इंटरेस्ट आता है, 10 करोड़ का इंटरेस्ट आता है और एक्सपेंस में सिर्फ 1 लाख की ऑडिट फीस है। सारा पैसा इन्होंने शेयर कैपिटल से लगाया हुआ है, कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई लोन नहीं लिया हुआ। अब देखिए, अगर मैं डिसअलाउंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? नहीं, ये तो ऑडिट एक्सपेंसेस है। चलिए 1 लाख ही आ गया, प्लस 100 करोड़ का 1%, 1% इन्वेस्टमेंट्स, 1 करोड़ 1 लाख का डिसअलाउंस आ गया, जबकि खर्चा मेरा कितना है? 1 लाख। अब पढ़िए प्रोविजन, समझ में आ जाएगी। प्रोविजन पढ़िए, समझ में आ जाएगी। अब आपको क्या कह रहे हैं, डिसअलाउंस जो निकालेंगे हम, दैट कैन नॉट एक्सीड द टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम बाय द असेसर। Total expenditure in the profit loss account, in the profit loss account, in the profit loss account. जब यह आया था मैंने भी सोचा था कि शायद ये टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम की बात कर रहे हैं। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसर इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। Provided that the amount referred in clause 1 and 2 shall not exceed total expenditure claimed by the assessor. तो जो डिसअलाउंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टोटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड है उससे एक्सीड नहीं करेगी। पेज 225 पर एक एग्जांपल देखिएगा। XYZ लिमिटेड प्रिपेयर्ड इट्स बैलेंस शीट एज अंडर: इक्विटी शेयर्स, लोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, loan for general activities, current liabilities, fixed assets, securities tax free, यानी इस पर exempt इनकम आती है। Securities tax free short term 40-100, bonds tax free 120-120, बॉन्ड्स जिसमें टैक्सेबल इनकम आ रही है, करंट एसेट्स। During the year ended 31st March 2022, the company earns the following incomes which are exempt from tax. Interest on tax-free securities 29 lakhs. Interest on tax-free bonds 12 lakh. Interest paid to banks during the financial year 21-22 was as under on loans taken to acquire the bonds 5 lakh. कितने लोन्स दिए थे देखिए आपने? 60 लाख, और इसमें 50 लाख इन्वेस्ट हुए हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स में। तो क्या करेंगे, 5 लाख इंटू 50/60 स्ट्रेट अवे डिसअलाउंस है। लोन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कुछ नहीं होगा, जनरल लोन 10 लाख, नथिंग। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, आपको इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल दी हुई हैं, मंथली क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ये जो है अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा, ये मई का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो 14A में डिसअलाउ होगा, एक तो 5 लाख जो आपने बैंक से लोन लिए थे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, 60 लाख के बॉन्ड्स थे जिसमें से 50 लाख इन्वेस्ट किया गया टैक्स फ्री बॉन्ड्स में, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। अब 1% ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो जो मार्च की क्लोजिंग थी वो ओपनिंग बन जाएगी। इस तरह से मंथली एवरेज निकाल लेंगे। one percent of annual average value of investments is, इन तीनों का टोटल किया 1%, 3.2541, तो डिसअलाउंस होगी आपकी जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर था प्लस 1%, 7.4208 इज द डिसअलाउंस। इश्यूज पर आइए, पेज 227। फ्रॉम द जुडिशरी पहला केस इंपॉर्टेंट मार्क करिए, याद नहीं करना नाम याद नहीं करना, बट केस इंपॉर्टेंट मार्क करिए। असेसी की इनकम आ रही है जो सारी की सारी ATIA ATIB में डिडक्टेबल है। असेसी की इनकम आ रही है जो 100% डिडक्टेबल है। मैंने लास्ट टाइम पहले बोला था एग्जेम्प्ट है, लास्ट लेक्चर में फिर कहा था ठीक करता हूं अपने आप को, डिडक्टेबल है। अंडर ATIA ATIB EO wants to invoke section 14A read with rule 8D. Can you do so? No, because that can be invoked only if the assessee has income exempt under section 10. Whether section 14 is applicable in respect to reductions which are permissible and allowed under chapter 6A. Chapter 6A is ATIA, ATIB वगैरह. The High Court observed that section 14A is not applicable for deductions which are permissible and allowed under Chapter 6A, 14A is applicable only if an income is not included in total income as per Section 10 of the Income Tax Act. Deductions under Chapter 6A are different from exemptions provided under Section 10. Next, circular भी important mark करिए। मेरे पास कुछ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट करंट ईयर में उस पर एक भी पैसा इनकम नहीं आई, तो भी क्या रूल 8D सेक्शन 14A लग जाएगा? बोर्ड कहता लग जाएगा। बोर्ड कहता है अगर इनकम आती तब भी लगाते हम, इनकम नहीं आएगी तब भी लगाएंगे। अगर इनकम नहीं आ रही इसका मतलब ये थोड़ी हुआ आपने खर्चा करना बंद कर दिया है। जनरल एडमिन एक्सपेंडिचर वगैरह तो इनकर होता ही होगा आपका। एंड देयरफॉर द बोर्ड क्लैरिफाइड कि इवन इफ द इनकम इज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द नॉट एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर बट यू हैव टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स, रूल 8D रेड विद सेक्शन 14A विल बी एप्लीकेबल। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। क्यों नहीं लगाएगा? वो सिक्योरिटी जिसका इंटरेस्ट सेक्शन 10 में इंक्लूडेबल नहीं है, अगर आता तो एक पड़ी क्लैरिफिकेशन ऑन डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 14A in cases where corresponding exempt income has not been earned during the previous year. Section 14A of the Act provides for disallowance of expenditure in relation to income not includable in total income. लॉ में included नहीं लिखा हुआ, लॉ में इंक्लूडेड नहीं लिखा, नॉट इंक्लूडेबल इन टोटली। A controversy has arisen in certain cases as to whether disallowance can be made by invoking Section 14A of the Act, even in those cases where no income has been earned by the assessee, which has been claimed as exempt during the financial year. The legislative intent is to allow that expenditure, which is relatable to earning of the income, and therefore it follows that the expenses which are relatable to earning of the exempt income have to be considered for disallowance irrespective of the fact whether any such income has been earned during the financial year or not. So CBDT therefore clarifies that section 14A लगेगा even if no income was earned during the previous year. अगर आप law देखें, law में क्या लिखा है, 1% of the annual average or monthly averages of opening closing the value of investments income from which does not or shall not form part of total income. लॉ ये नहीं करा विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। अगर हमारे पास तीन सिक्योरिटीज हैं, दो पे हमारे को डिविडेंड मिल रहा है, एक पे नहीं मिल रहा है, तो लेकिन 1% जो निकालेंगे तो हम तीनों पे निकालेंगे। यस, अगर आपके पास तीन एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकम एक से आ रही है, तो जो 1% निकालेंगे आप तीनों इन्वेस्टमेंट्स का निकालेंगे। क्लियर है? लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर, देखिएगा, बैंक्स के एनपीएस होते हैं, ये क्या होते हैं? फुल फॉर्म तो मुझे मालूम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनकी रिकवरी डाउटफुल है। बताइए बैंक्स इन पर इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करता है या नहीं? नहीं करता। जब एक्चुअल रिसीव होगी तब अकाउंट फॉर करता है। सो एनपीएस अगर बैंक के हैं तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई ऑल्सो जो बैंक है इस पर इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बट काफी सारे बैंक क्या करते हैं जैसे 1 करोड़ का एनपीए है, 12% का इंटरेस्ट है, तो बोरोर को डेबिट कर देते हैं 12 लाख और किसको क्रेडिट करते हैं? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। काफी बैंक ऐसा करते हैं। बताइए बैंक ऐसा क्यों करते हैं? ताकि पता चलता रहे कि कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है हर एनपीए पर मेरा, हम इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ये आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। सो दिस वोंट गो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और बैंक बैलेंस शीट में क्या करेगा? बैलेंस शीट में बोरोअर में 12 लाख आ जाएगा, 112 लाख लेस कर देगा इंटरेस्ट सस्पेंस 12 लाख, 1 करोड़ ही आ गया। क्लियर है? लिख लीजिए पेज 227 एट दैट बॉटम, पेज 227 एट द बॉटम। एक करोड़ का एनपीए है, 12% का इंटरेस्ट है, इस पर बैंक क्या करता है? बोरोअर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस कर देता है और इंटरेस्ट सस्पेंस को इट डज नॉट टेक टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बट बैलेंस शीट में दिखाता है बोरोअर अकाउंट से 112 लाख लेस इंटरेस्ट सस्पेंस 1 करोड़ का बोरोवर आ गया। क्लियर है? अब बैंक ने 12 लाख का इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाई, बट एओ कहता है कि सिंस आपने एंट्री डाल दी इंटरेस्ट एक्रू हो गया। सो एओ कहता है सिंस आपने बुक्स में एंट्री डाली इंटरेस्ट एक्रू हो गया। अब आप जो मर्जी एंट्री पास करें इंटरेस्ट तो एक्रू हो गया। आपने एक बार बोरो का डेबिट कर दिया, आपकी इंटेंशन टू रिकवर आ गई एंड देयरफॉर एक्रूवल हैज टेकन प्लेस। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया। बैंक्स गवर्नमेंट के पास भागे कि इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवररूल किया जाए एंड सेक्शन 43D लाया गया, 43D लाया गया। अभी तक देखिए आपने 43 सेक्शन किया एक्चुअल कॉस्ट, 43A किया एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, 43B किया सर्टेन डिडक्शंस ऑन पेमेंट बेसिस, 43C नहीं किया आपने, 43D अब करने जा रहे हैं। 43C मैंने जानबूझ के नहीं कराया, इस चैप्टर में उसका लिंक नहीं है, उसका लिंक बनेगा कैपिटल गेन्स में। सो 43C बेसिकली लिंकेज है कैप गेन्स के चैप्टर की, कैप गेन्स में पढ़ेंगे। सो 43D अगर आप गवर्नमेंट है तो क्या प्रोवाइड करेंगे बताइए कि अगर बैंक ऐसा कर भी रहा है तो हम इनकम को टैक्सेबल कब करेंगे? जिस साल में बैंक खुद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाता है, जिस साल में खुद बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाता है या फिर रिसीव करता है, विच एवर इज अर्लियर। सो 43D ये प्रैक्टिस कौन कौन फॉलो करता है? एक तो बैंक्स, एक ये होती है ना स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसीज भी फॉलो करती है, एनबीएफसीज भी फॉलो करती है। आपने सुना होगा पिछले 1-1.5 साल में बड़ी सारी एनबीएफसी लुट पिट गई, दीवान हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, बड़े फेमस केस हुए हैं। तो और गवर्नमेंट ने इन पर बड़े अपने नॉर्म स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। सो एनबीएफसीज को भी यही फॉलो करने के लिए कहा जाता है। सो नॉट विथ स्टैंडिंग, सो पेज 227 सेक्शन 43D इंटरेस्ट इनकम ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट in case of an assessee being public financial institution, state financial corporation, state industrial investment corporation, deposit taking NBFC में करा चुका हूँ 43B में, systematically important not deposit taking NBFC आप कर चुके 43B में, scheduled bank. The income by way of interest in relation to specified categories of bad and doubtful debts prescribed by the RBI, NPA की बात कर रहे हैं। इसी तरह इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन विच ईयर, इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज क्रेडिटेड बाय द असेसी टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट और द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। और यहां शेड्यूल्ड बैंक्स में कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं, यहां शेड्यूल्ड बैंक्स में कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूडेड है। आइएगा पेज 114, certain deductions under section 36. Page 114, certain deductions under section 36 the following deductions are allowable under section 36: amount of premium paid in respect of insurance against risk of damage, destruction of stocks, stores used for the purpose of business or profession. तो अगर आपने इंश्योरेंस कराया किसका, स्टॉक इन ट्रेड का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउेबल एज डिडक्शन। क्लियर है? इधर देखिए, ये एक पुराना केस है, खोडी दास मोतीराम पंचाल केस, सुनिए प्लीज। यहां 4 पार्टनर्स हैं, चलिए एक मिनट इसको छोड़िए, मैं इंडिविजुअल हूं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता हूं, जो प्रीमियम है कैन आई क्लेम इट एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। एटीसी की बात नहीं कर रहा मैं, मैं एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हूं, मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता हूं, प्रीमियम पे करता हूं, क्या वो मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंडिचर है? नो, इट्स माय पर्सनल एक्सपेंडिचर। इसी तरह अगर फर्म पार्टनर्स की लाइफ का इंश्योरेंस पे कर रही है, कीमैन इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हम, हम एक फर्म है, आप सारे पार्टनर्स हैं, आप सबने 5-5 लाख की अपनी लाइफ पॉलिसी ली है, फर्म प्रीमियम पे करती है आपका, तो क्या फर्म के लिए अलाउबल एक्सपेंडिचर है? नो, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ पार्टनर्स। आप खोटी दास मोतीराम पंचाल में क्या हुआ, फर्म ने पॉलिसी ली पार्टनर्स की लाइफ पर, पार्टनर है ABC, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी उस समय नहीं होती थी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी उस जमाने में नहीं होती थी जबकि केस है। फर्म के 3 पार्टनर्स थे, फर्म ने 50-50 लाख की इनकी लाइफ पे पॉलिसी ली, यानी इनकी इंडिविजुअल लाइफ पे पॉलिसी ली गई है, और फर्म मान लीजिए 2 लाख का प्रीमियम पे करती है, और एग्रीमेंट यह है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये जो पैसा आएगा इसे यूज किया जाएगा to repay the capital of the partner to the legal heirs। लीगल एयर्स को जो फर्म में इसका कैपिटल अकाउंट है उसकी रीपेमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। अब बताइए, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है फर्म, अलाउेबल एज डिडक्शन है या नहीं? कोर्ट्स ने कहा सेक्शन 30-31 में इंश्योरेंस प्रीमियम किसका अलाउड होता है? बिल्डिंग का, प्लान मशीनरी का, वो केस नहीं है। कोर्ट ने कहा 36-11 में अलाउ होता है किसका? स्टॉक इन ट्रेड का। कोर्ट ने कहा ये मैक्सिमम आप 37-1 में ले जाने की कोशिश करेंगे। 37-1 में है कि इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर। ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तीनों कंडीशंस क्यूमुलेटिव हैं, शुड नॉट बी कैपिटल, शुड नॉट बी पर्सनल, शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस। बट कोर्ट ने कहा यहां तो ये तो एक पर्सनल एक्सपेंडिचर है आपका, एंड देयरफॉर कोर्ट हेल्ड दैट दिस प्रीमियम इज नॉट डिडक्टेबल। इसी वजह से इंडिया में लेके आए क्या, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कि अगर आपको इस तरह का प्रीमियम डिडक्टेबल चाहिए, टेक द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम हम अलाउ कर देंगे बट जब डेथ पर कंपनी को मिलेगा तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे हम। क्लियर है? सेकंड है आपका, अगर मैं अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ पर पॉलिसी लेता हूं, सो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं, प्रीमियम अलाउड है, ओनली थिंग इज इट शुड नॉट बी पेड बाय कैश, शुड नॉट बी पेड बाय कैश। सो कोई भी प्रीमियम पे करते हैं अदर देन बाय वे ऑफ कैश to keep an insurance on the life of the health of the employees under a scheme framed by कोई भी इंश्योरर हो तो एक्सपेंस अलाउड है। अगर जीएसटी बैंक में आप कैश में जमा कर रहे हैं 40A3 में रूल 6DD की एक्सेप्शन में आ जाएगा, पेमेंट टू बैंक्स नॉट टू बी डिसअलाउड। 36(1)(2) आपको करा चुका हूं, क्या था? बोनस टू एम्प्लॉइज सब्जेक्ट टू 43 भी लिखा था हमने, समझ में आ गया आपको? 36(1)(3) इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यह आप कर चुके हैं, याद आएगा भी आपको। इसको मैंने जगह जगह कराया आपको, इसको मैंने जगह जगह कराया आपको। एक बात बताइए, मैं एसेट परचेस करने के लिए लोन लेता हूं, उस पर जो इंटरेस्ट पे करूंगा अलाउड है डिसअलाउड है? जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होगा कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद का आपको एक्सपेंस क्लेम करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू 43 भी। अगर लोन लिया आपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो सब्जेक्ट टू 43 भी हो गया। सो 36(1)(3) के ऊपर लिख लीजिए सब्जेक्ट टू 43 भी। सो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया ऑन द कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वो डिडक्शन वाला हो जाएगा। प्रोवाइडेड कह रहे हैं कि अगर आपने एसेट को परचेज करने के लिए लोन लिया है, तो जब से लोन लिया टिल द डेट द एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज, इंटरेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड करना पड़ेगा। की पॉइंट वन कि अगर आपने एसेट के परचेज के लिए लोन लिया है, तब भी इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा आफ्टर द डेट द एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज। इधर देखिएगा, ओके, पहले ये नेक्स्ट पेज पर पॉइंट 5, मैंने बैंक से लोन लेकर इनकम टैक्स पे किया है, तो जो लोन पर इंटरेस्ट पे करूंगा अलाउड है डिसअलाउड है? कराया था मैंने आपको, ये मैंने कहा था एनीथिंग टू डू विद इनकम टैक्स इज डिसअलाउड। उस समय हमने ये जजमेंट भी रेफर किया था, पेज 116, ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट अलाउबल एज डिडक्शन सिंस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज अ पर्सनल लायबिलिटी। इधर देखिए, मेरे 10 करोड़ का इनकम टैक्स ड्यू है, मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक गारंटी दे दी, बैंक गारंटी पर मैंने बैंकर को कमीशन दी, तो क्या वो कमीशन अलाउड है मुझे? नथिंग कंसर्निंग इनकम टैक्स इज अलाउड। पॉइंट 6, गारंटी कमीशन पे टू द बैंक in relation to bank guarantee given by the assessee to the income tax department is an expense related to income tax and thus not allowable। अभी अगला पेज नहीं पलटेंगे, बस बताइए मुझे टैक्स ऑडिट फीस अलाउड है या नहीं? यस, प्रोफेशनल फीस है वो। तो आपने अपने सीए को, लॉयर को सीआईटी अपील्स में अपीयर करने के लिए, आईटीटी में अपीयर करने के लिए फीस दी, क्या वो अलाउड है? यस। नेक्स्ट पेजेस पर देखिए, litigation expenses in relation to income tax cases are allowable as deduction under 37(1). Similarly, tax audit fees is allowable as expenditure under 37(1). वापस आइए पिछले पेज पर 116। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, ईओ कहता है यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट बना के लाइए कि बैंक लोन किस लिए यूज हुआ है। सपोज असेसी ने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, 12 लाख का इंटरेस्ट पे करेगा असेसी, 12%, और असेसी ने ये लोन अपने सिस्टर कंसर्न को दे दिया एट निल रेट। बताइए क्या होगा? कोशिश तो करिए, क्या अलाउ होना चाहिए असेसी को इंटरेस्ट? नो, आपने तो इंटरेस्ट आगे पास ऑन कर दिया, बिजनेस के लिए थोड़ी यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इन लोन लेके सिस्टर कंसर्न को पास कर देते हैं तो असेसी जो 12 लाख लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा डिसला हो जाएगा। अगर सपोज सिस्टर कंसर्न से 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते थे, इमेजिन करिए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? 2 लाख क्रेडिट साइड में होगा, 12 लाख डेबिट साइड पे होगा, तो बताइए क्या डिसअलाउ करो? 10 लाख डिसअलाउ करेंगे। पे एफडी करा रहे थे हम लोन लेके, और हमने एफडी करा दी, बैंक से लोन लिया 12% पे, और पैसे हमारे फंड लोन अकाउंट में पड़े हुए थे, उसमें उसका यूज नहीं हो रहा था, तो उतने में एफडी करा दी। तो उस केस में तो हम एफडी वाले इनकम को नॉर्मल इनकम मान रहे थे, और इसमें कुछ नहीं करते। ये तो वो केस है ही नहीं, ये तो है असेसी ने लोन्स लेकर सिस्टर कंसर्न को डाइवर्ट किए हुए हैं। लॉ कहता है लोन्स पर हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे इफ द लोन इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो तो अलग केस है कि मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा है, मैंने एफडी करा दी, एफडी पर फिर लोन ले ले, वो तो अलग इशू है। ये तो अलग इशू है कि मैंने बैंक से लोन लेके सिस्टर कंसर्न को दे दिया। वीजीएलडी ने 10 करोड़ का लोन दिया, लिया बैंक से, और विनोद गुप्ता को फ्री में दे दिया, ये लीजिए और मैंने अपना घर खरीद लिया। तो क्या VGLD को 10 करोड़ का लोन पर जो इंटरेस्ट अलाउ होना चाहिए? नो, उससे तो मुझे फंड डाइवर्ट किए, वो इशू है। तो अगर 2 लाख चार्ज करें सिस्टर कंसर्न से, फिर तो 12 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, 10 लाख डिसअलाउ कर देंगे। सोजानी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, पेज 116। इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल where borrowed money is loaned to the director without charging any interest। तो अगर डायरेक्टर को, मैं डायरेक्टर हूं वीजीएलडी का, या शेयर होल्डर को, सिस्टर कंसर्न्स को आपने लोन डाइवर्ट कर दिया है, तो उस लोन पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। असेसी कंपनी बोरोज फंड एट द रेट ऑफ 20% एंड लेंड्स इट टू द डायरेक्टर 8%, क्या होगा? Lending to directors is not the business of the company, and borrowing by the company in the present case cannot be set for the purpose of the business of the company. 12% interest therefore will be disallowed. Asse Builders, important mark करिए। In fact, most important mark कर लीजिए Asse Builders। ऐसे बिल्डर्स के देखिए फैक्ट्स क्या थे, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को 100 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले जो इनको 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने, और कंप्लीट नहीं किए तो जबरदस्त पेनल्टीज पड़ेंगी फॉर नॉट फुलफिलिंग द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। होल्डिंग कंपनी अकेले ही काम नहीं कर सकती एंड देयरफॉर सब्सिडी कंपनी की हेल्प ली जाती है। सो बिना सब्सिडी कंपनी के ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, ये फैक्ट से एस्टेब्लिश्ड है। अब ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए होल्डिंग कंपनी बैंक से लोन लेती है, लेट्स से 50 करोड़ का, इसमें से 10 करोड़ सब्सिडी को दे देती है ताकि सब्सिडी लेबर वगैरह को पे करके टाइम पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सके। अब एओ कहता है कि 20% लोन आपने डाइवर्ट कर दिया सिस्टर कंसर्न को, 20% हो गया ना 50 में से 10 करोड़, एंड देयरफॉर एओ कहता है जो इंटरेस्ट बना आपका उसका 20% मैं डिसअलाउ करूंगा सिंस नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस गिवन टू द सिस्टर कंसर्न। बट एओ कहता है बड़े सारे केस लॉस की लाइन लगी पड़ी है जो कहते हैं कि अगर आप लोन लेके सिस्टर कंसर्न को दे रहे हैं तो इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मानते हैं, हम जानते हैं कि अगर लोन लेके सिस्टर कंसर्न को दिया जाता है तो जो लोन पर इंटरेस्ट है डिसअलाउ होना चाहिए बिकॉज सिस्टर कंसर्न को लोन देना इज नॉट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये तो डाइवर्जन ऑफ फंड्स है टू द सिस्टर कंसर्न। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां फैक्ट्स फर्क है, यहां क्या है कि इसका इसमें डीप इंटरेस्ट है, होल्डिंग कंपनी हैज डीप इंटरेस्ट इन द सब्सिडी कंपनी, और यहां फैक्ट्स ऐसे हैं कि कमर्शियल एक्सपीडियंसी की वजह से लोन देना पड़ा। अगर लोन नहीं देते तो ये लेबर को पेमेंट नहीं कर पाती, लेबर को पेमेंट नहीं होती तो एक्सपोर्ट के गुड्स नहीं बन पाते, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां कमर्शियल एक्सपीडियंसी की वजह से लोन दिया गया है, फंड्स दिए गए हैं, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट सेड यहां हम मानेंगे कि लोन दिया गया है फॉर बिजनेस purpose and therefore the entire interest which the holding company pays on 50 crores will be allowed as deduction to the holding company. Supreme Court ने warning दी हमारे judgment को misuse मत करिएगा। Supreme Court ने warning दी, हम ये एक specific case में बता रहे हैं, इसको misuse मत करिए ऐसे builders। During the assessment proceedings for assessment year 16, 17, 17, 18, the AO found that assessee had advanced huge amounts as interest-free loans out of his CC account in which there was huge debit balance. The AO disallowed the proportionate interest relating to said amount out of the total interest paid to the bank holding that the assessee has diverted the borrowed funds to the sister concern without charging any interest. Held. The expression commercial expediency is an expression of wide import and includes such expenditure as prudent businessman incurs for the purpose of business. The expenditure may not have been incurred under any legal obligation, yet it is allowable as business expenditure if it is on account of commercial expediency. If the money advanced to sister concern was on account of commercial expediency, then interest on loan should be allowed as deduction. It is not in every case that interest on borrowed capital loan has to be allowed if the assessee advances it to the sister concern. It all depends on the facts and circumstances of the case. For instance, if the directors of the sister concern utilize the amount advance to it by the assessee for their personal benefit, then allow, disallow, disallow. Obviously, it cannot be said that the money was advanced as a measure of commercial expediency. However, the money can be said to be advanced to a sister concern for commercial expediency in many other circumstances, where holding company has a deep interest in the subsidy, and holding company advances money is borrowed to the subsidy, and the same is used by subsidy for business purposes, holding company would ordinarily be entitled to reduction of interest on borrowed loans. Therefore, in the present case, the interest paid by the assessee, holding company, to the bank is allowed as reduction even if some loan was given to the subsidy company. अभी इसी जजमेंट पे बेस्ड कुछ और जजमेंट्स आए। पेज 117, 9, 10, 11 मैंने इंस्टीट्यूट की केस स्टडी बुक से लिए हुए हैं, पढ़ते नहीं है, बात करते हैं। 11 केस की बात करते हैं, रीसेंट केस था ये, रिबॉक इंडिया। Assessee company had taken unsecured loans of 500 crores. Out of the said sum, it advanced 172 crores to third parties, on which no interest was charged. Pursuant to this, AO ने proportionate interest disallow कर दिया। आपका क्या व्यू है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यहां ऐसे बिल्डर के केस की रेशियो लगाते हैं, यहां सिस्टर कंसर्न को पैसा नहीं दिया गया, यहां तो थर्ड पार्टी को पैसा दिया गया है। और क्या थर्ड पार्टी को रिबॉक वालों ने बिना बात के पैसे दे दिया होगा? वो तो किसी बिजनेस कंसिडरेशन की वजह से दिया होगा, और अगर इंटरेस्ट भी दे भी दिया उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कमर्शियल एक्सपीडियंसी की वजह से दिया है, देन इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, एंड देयरफॉर हाई कोर्ट ने कहा कि सिंस लोन लेकर आपने पैसा थर्ड पार्टीज को बिजनेस के लिए, एडवांस के लिए दिया है, तो इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिसअलाउड। हाई कोर्ट फॉलोड द रेशियो ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ऐसे बिल्डर्स। आप देखेंगे मैंने किस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये इंस्टीट्यूट का स्टाइल होता है कि पहले इशू आइडेंटिफाई करिए, फिर बताइए क्या जजमेंट लग सकती है यहां पर, फिर कंक्लूड करिए। तो केस 11 पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। केस 9 देखिएगा। पेज 117, केस 9। Can a company engage in business of owning, running, and managing hotels, claim interest on borrowed funds used by it for investing in equity share capital of the wholly owned subsidiary company as deduction, where subsidiary company was formed for exercising effective control of new hotels acquired by the parent company under its management. यानी holding company क्या करती है? नहीं, वैसे क्या करती है? Hotels run करती है। subsidiary क्या करती है? Controlling करती है उन hotels की। So holding ने loan लेकर subsidiary में पैसा लगा दिया इन द शेयर कैपिटल, और उसको सबसे यूज कर रही है अपने बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कंट्रोलिंग द होटल्स। तो बताइए क्या होल्डिंग ने डायवर्जन ऑफ फंड्स किया है फॉर पर्सनल पर्पसेस? नो, नो। यहां हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनी का मेन काम होटल रन करना है, सब्सिडी बनाई गई बेटर कंट्रोल के लिए, तो इसलिए उसको पैसा दिया जा रहा है। अगेन द रेशियो ऑफ एसे बिल्डर्स विल बी अप्लाइड, इट्स ऑन अकाउंट ऑफ कमर्शियल एक्सपीडियंसी। इन्वेस्टमेंट खड़ी भी हो गई तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो है नहीं, इशू यह है होल्डिंग कंपनी ने बैंक से लोन लिया 50 करोड़ का, उसमें 25 करोड़ की सब्सिडी में शेयर कैपिटल लगा दिया और सब्सिडी उस पैसे को यूज कर रही है अपने बिजनेस के लिए ऑफ कंट्रोलिंग द होटल्स। देखिए मैंने सिर्फ इसलिए ले लिया ताकि आपको जब कोई बात करे केस स्टडीज ऑफ द आईसीआई हमने कवर की हुई है। ये सारा ऐसे बिल्डर्स से फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें मैं कोई भी केस लॉ आपको याद करने के लिए नहीं करा, इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रहा, मैंने सिर्फ ऐसे बिल्डर इंपॉर्टेंट मार्क कराया, बाकी का इंस्टीट्यूट के केस स्टडी बुक में इसलिए फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो देखिए, होल्डिंग ने 50 करोड़ बैंक से ले लिया, लोन लिया, 25 करोड़ के यहां शेयर्स ले लिए और जो 25 करोड़ आया इसने यूज करना शुरू किया था बिजनेस के लिए। हाँ, शेयर कैपिटल में आया। अब होल्डिंग बैंक को मान लीजिए 5 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है, अभी जो पैसा यूज हुआ 25 करोड़ का ये बिजनेस के दौरान यूज माना जाएगा या नहीं? ऐसे बिल्डर्स रेशियो हो गई ना कि मैंने जो फंड्स यहां लगाए किससे लगाए, स्टिल कैपिटल ली है। चलिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लेट्स हियर यू। ये तो होल्डिंग पैसे लगा रही है, यहां पर उल्टा सोच रहे हैं आप। होल्डिंग पैसे लगा रही है ताकि ये अपने एम्प्लॉइज रखकर होटल कंट्रोल कर सके, हमारे बिजनेस चला सके। इसी का बिजनेस चल रहा है, होटल्स वगैरह यही ओन कर रहा है, इस बेसिस पर अलाउ किया गया। जो आपके दिमाग में वही एओ के दिमाग में आया था उसने इसी बेसिस पर डिसलाउ किया था। सो ये सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे बिल्डर्स ही फॉलो करिए। केस 10 देखिए। अपना व्यू बताइए। कंपनी ने बोरोड फंड्स डायरेक्टर्स को डाइवर्ट किए हुए हैं, कंसिस्टेंटली हर साल एडवांसेस टू डायरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई रिटर्न नहीं आ रही, कोई परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी में बेटरमेंट नहीं हो रही। ये तो क्लियर कट केस डाइवर्जन ऑफ फंड्स का है एंड देयरफॉर द इंटरेस्ट विल बी डिसअलाउड। देखिए फैक्ट्स चेंज करेंगे आंसर चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्टर्स को लोन देने की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, प्रूव करिए वाली बात। और देखिए क्या होता है, एक जज जो होता है फैक्ट्स पर आंसर देता है, एग्जाम में कभी फैक्ट्स चेंज नहीं करेंगे। जहां फैक्ट्स चेंज हो गए आंसर विल बी डिफरेंट। एग्जाम में कभी फैक्ट्स चेंज नहीं करता। पेज 118। इधर देखिएगा, जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, सरकारी कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, वो क्या होती है आपको बाद में बताऊंगा। वो इशू करती है, यानी इशू करने वाले अच्छे लोग हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में। जीरो कूपन बॉन्ड को नोटिफाई किया जाता है कि दिस इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। इसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी बॉन्ड इशू करती है तो सरकार नोटिफाई करती है दिस इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड पर आपको एक पैसा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जितना लाइफ ऑफ बॉन्ड है उसमें एक पैसा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब मैच्योरिटी होगी तो आपको क्या मिलेगा? लमसम मिलेगा। जब मैच्योरिटी होगी तो आपको क्या मिलेगा? लमसम मिलेगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड आप लेते हैं तो लाइफ ऑफ द बॉन्ड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लमसम पर आपको मैच्योरिटी पर आपको लमसम मिलेगा। अब बात करते हैं, आपके फादर ने जीरो कूपन बॉन्ड लिए, ठीक है, उनको हर साल तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब मैच्योरिटी होगी उनको पैसा मिलेगा, उनके हाथ में कैपिटल गेन्स माने जाएंगे। ये लिखा है कैपिटल गेन के चैप्टर में। तो आपके फादर को जब पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे तो उनके हाथ में कैप गेन्स निकाले जाएंगे। जो मैच्योरिटी प्राइस है माइनस जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, दैट्स अ कैप गेन। बताइए लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होगा? मोर देन 12 मंथ्स। जीरो कूपन के लिए मोर देन 12 मंथ्स इज लॉन्ग टर्म। क्या जब फादर को पैसा मिलेगा टीडीएस कटेगा? इस पर कोई टीडीएस नहीं कटता, इस पर कोई टीडीएस नहीं कटता। और अगर आपके फादर बीच में यानी मैच्योरिटी से पहले बेच देते हैं तो भी कैप गेन होगा, तो भी कैप गेन होगा। यह है इन्वेस्टर के हाथ में चीज। अब कंपनी है जिसने 2016 में 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया, 1 लाख बॉन्ड इशू किए और 2023 में ये मैच्योर होंगे, 200 रुपए मिलेंगे आपको। 1 लाख बॉन्ड है यानी कि 1 कितना हो गया करोड़ के बॉन्ड इशू की कंपनी ने। मैच्योरिटी पे कंपनी कितने देगी? 2 करोड़। इशू क्या उठ रहा है अब? आपके फादर इन्वेस्टर के हाथ में तो हमने बात कर ली, अब बताइए कंपनी के हाथ में क्या करूं? ये जो इंटरेस्ट है 1 करोड़ का, इसे आप क्या करेंगे? स्प्रेड ओवर करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। बोलिए, सीधे एग्जाम्पल से करते हैं। पहले पेज 119 पर आइए। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड इशूड बाय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये नोटिफाई हुआ है बाय फाइनेंस एक्ट 2021। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो होते हैं, जो 1047 में एग्जेम्प्ट होते हैं, ये हम फॉरेन टैक्सेशन में करेंगे, वो भी हम इश्यू कर सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक ऑन और आफ्टर 1/6/2005 इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो पेमेंट ऑफ बेनिफिट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल before maturity and redemption, and which the central government notifies in the official gazette. तो कह रहा है कि अगर इसकी मैच्योरिटी होगी तो कैपिटल गेन्स निकाले जाएंगे, इसे ट्रांसफर माना जाता है, और अगर मैच्योरिटी से पहले बेच देंगे तो भी कैप गेन निकलेगा इन्वेस्टर के हाथ में। पॉइंट 3 कहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर के हाथ में अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म है। पॉइंट 4 कहता है कि इनको जब मैच्योरिटी होगी या बेचेंगे, लॉन्ग टर्म अगर है तो लॉन्ग टर्म पर आप टैक्स लगा सकते हैं एट द रेट ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन। पांचवा कहता है कि जब आपको रिडेम्पशन मिलेगी इस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सिक्स्थ, सेक्शन 36(1)(3) हैज बीन इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड that the pro rata amount of discount on a zero coupon bond having regard to the life of such bond shall be allowed as deduction while computing the income under that P/G/B in the hands of the issuer of the bonds. Tax treatment in the hands of company issuing such bonds. Discount is deductible on pro rata basis over the life of the zero coupon bond as stated above. Tax will not be deducted by the company under section 194A. Illustration पढ़िएगा। Zero coupon bonds are issued by X Limited, an infrastructure capital company, on 10th October 19, 10 अक्टूबर 19 को इशू किया है। डेट देख लीजिए 10 अक्टूबर 19। इशू प्राइस है कितनी? 85। अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्या है? 100 रुपए। 100 रुपए। रिडेम्पशन डेट क्या है? 9 जुलाई 2024। पब्लिक ने कितने बॉन्ड सब्सक्राइब किए हैं? 1 लाख। एक मिनट देखिए पेज 118। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? पेज 118, डिफरेंस बिटवीन जितना प्राइस कंपनी ने रिसीव किया, मतलब जितना प्राइस कंपनी रिडेम्पशन पे पे करेगी वो माइनस जिस प्राइस पे इशू किया था। बताइए प्लीज। सो थियोरेटिकली पढ़ लीजिएगा, वैसे बताता हूं। डिस्काउंट का मतलब है जिस प्राइस पे कंपनी रिडीम कर रही है माइनस जिस प्राइस पे कंपनी ने इशू किया था, नंबर ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे केस में कितना हो गया? 15 लाख। 100 माइनस 85, 15 लाख। लाइफ ऑफ द बॉन्ड, बताइए लाइफ ऑफ द बॉन्ड कब से होगा? जब से इशू किया टिल द डेट ऑफ रिडेम्पशन। फिगर बोलिए मेरे केस में क्या है लाइफ ऑफ द बॉन्ड? नहीं, फ्रॉम दिस टू दिस बोलिए, दिस टू दिस, फ्रॉम 10th October 19 टू July 9, 24। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज देखिए। फॉर द पर्पस ऑफ 36(1)(3), द प्रोरेटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ बॉन्ड शैल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ्स। सो बॉन्ड्स की लाइफ को कन्वर्ट करिए किसमें? कैलेंडर मंथ्स में। आगे बढ़िए, एंड फॉर दिस पर्पस वेयर द कैलेंडर मंथ इन विच बॉन्ड इज इशूड और बॉन्ड मैच्योर्स और इज रिडीम कंटेन्स अ पार्ट ऑफ द मंथ, देन इफ सच पार्ट इज 15 डेज और मोर शैल बी इंक्रीज टू 1 कैलेंडर मंथ। इफ इट इज लेस देन 15 डेज इट शैल बी इग्नोर्ड। बताइए मेरा बॉन्ड है 10 अक्टूबर 19 से लेकर 9 जुलाई 24। अक्टूबर को काउंट करूंगा या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? अक्टूबर में 21 दिन है। अक्टूबर में 21 दिन है। 15 डेज और मोर मतलब देखिए ना 15 दिन से ऊपर हो गए ना। यहां पर 15 दिन से कम है, इसलिए जुलाई को इग्नोर कर देंगे। 15 डेज से कम है। देयरफॉर लाइफ ऑफ द बॉन्ड इज 1 अक्टूबर से लेकर 30 जून 24। देखिए, लेकिन जहाँ जरूरत होती मैं करा देता हूँ प्लीज। डिस्काउंट को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ से, फिर क्या करेंगे तीसरा पॉइंट बिना पड़े बताइए, जितने उस प्रीवियस है में मंथ्स हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन माय एग्जांपल डिस्काउंट है 10 इंटू 1 लाख बॉन्ड्स, ये हो गया डिस्काउंट। नंबर ऑफ मंथ्स हो गए मेरे 1 जुलाई 24 से लेकर 1 अक्टूबर 19 से लेकर 30 जून 24, 57 मंथ्स। सो 15 लाख को डिवाइड करूंगा, इतना पर मंथ आ गया। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, कितने साल है, कितने महीने फर्स्ट ईयर में, अक्टूबर 6 महीने, 6 महीने हो जाएगा। अगले सालों में 12 महीने, और लास्ट ईयर में कितने महीने माने जाएंगे, अप्रैल मई जून, 3 महीने। क्लियर है। 36 14 आप कर चुके हैं, बहुत डिटेल में कर चुके हैं। 14 आप कर चुके हैं, 15 आप कर चुके हैं, 36 15 भी आपको करा चुका हो। बाकी ब्रेक की बात कर लेते हैं, बाकी ब्रेक की बात टेकअप करते हैं। Aditya has graduated in finance. Richa is a finance executive. Manav is a senior finance professional. All of them are looking for the same thing, a degree that would help them all grow in their career globally. With the ever-changing times, it is now difficult to go abroad to pursue an international degree. Plus, the costs of studying an international degree is high. So what option do they have? VGI Learning Destination presents an opportunity to become a US certified public accountant. CPA is the highest accounting qualification of the US, which can be completed in 8 to 12 months by passing only 4 papers. Bringing together the best from the industry, Grant Thornton India LLP and Becker. Now Aditya, Richa and Manav can become a CPA by appearing for their exam in India itself. Trusted for over 30 years by students across the nation. VGI Learning provides unparalleled one-to-one support and guidance, dedicated professionals, best coaching from industry experts of Grant Thornton. Choose VGI Learning, add wings to your accounting career. Be a CPA, start today. Call now to learn more. VGI Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. Is a trusted qualification for skilled professionals with no aggregation, no grouping, and with exams every quarter. ACCA ensures faster progression in your career. Now, here's the silver lining. You may gain exemptions in ACCA on the basis of your present qualification and an exclusive scholarship from VGI Learning, a gold-approved learning partner of ACCA. Out of the total 13 papers in ACCA, if you are a BCom graduate... Can you please start the class? Page 124. हम फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर भी कर चुके हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये कब देना होता है आपको, जब शेयर सेल परचेज करते हैं। बताइए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सपेंस अलाउबल होता है या नहीं, अलाउबल होता है। इफ शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप एज इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड कर रहे हैं तो डिसअलाउ हो जाएगा। सो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउेबल अंडर सेक्शन 36. एन अमाउंट इक्वल टू द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय द असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस इज इंक्लूडेड अंडर द हेड PGP, यानी शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इसी तरह से कॉमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये किस पर लगता है, कॉमोडिटीज पर। यह भी अलाउेबल होगा if commodities are held as stock in trade, इन दोनों पे स्टार लगाइए। इन दोनों पे स्टार लगाइए, स्टार को एट द बॉटम डिफाइन करिए। एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सीटीटी कॉमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स is allowable as business expenditure if securities / commodities are held as stock in trade। पैरा, if securities, commodities are held as investments, तो क्या होगा? Then STT, CTT shall be disallowed। आज आप देखते हैं सरकार हर कोशिश करती है किसानों को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की। तो सरकार हर साल क्या करती है, एक स्टैचूटरी मिनिमम प्राइस फिक्स करती है कि किसानों से जो गेहूं खरीदा जाएगा, चावल खरीदा जाएगा, कम से कम ये प्राइस देना पड़ेगा, स्टैचूटरी मिनिमम प्राइस। और ये जो शुगर फैक्ट्रीज होती है, गन्ना शुगर केन ग्रो होता है, फार्मर्स ग्रो करते हैं, शुगर फैक्ट्रीज को बेचते हैं और शुगर फैक्ट्रीज इन किसानों को एक्सप्लॉइट करती है। तो वहाँ पर तो सरकार एसएमपी बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करती है कि किसानों का गन्ना शुगर केन सही प्राइस पे बिके। तो स्टैचूटरी मिनिमम प्राइस सरकार फिक्स करती है। अब मान लीजिए कंपनी है बलरामपुर चीनी, इनफैक्ट एग्जांपल ले लेता हूं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो शुगर बनाती है, किसानों से गन्ना खरीदती है और सरकार ने स्टैचूटरी मिनिमम प्राइस फिक्स किया हुआ है, लेट से 200 रुपीज पर 50 kgs ऑफ शुगर केन। ठीक है, यानी कि अब ये कॉर्पोरेट सोसाइटी किसानों को इतना पे करेगी। सरकार ये भी करती है कि इनके प्रॉफिट्स निकाले जाएंगे, इनके प्रॉफिट्स निकाले जाएंगे। अगर इनके प्रॉफिट्स इस अमाउंट से ज्यादा आते हैं तो किसानों को 200 की जगह 300 रुपए दिया जाएगा, जो फाइनल केन प्राइस है, एफसीपी। तो किसानों को एक पर्ची दे दी जाती है कि अभी तो हम आपको 200 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे अगर हमारे प्रॉफिट्स एंड में इतने आ गए। शुगर बिजनेस, शुगर मैन्युफैक्चरिंग से। अब ये सोसाइटी 200 पे करती है, अलाउड एज एक्सपेंस, कोई डाउट नहीं है। अब ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करती है, एओ अलाउ करने से मना कर देता है। अच्छा एक मिनट, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स कौन होते हैं? ये फार्मर्स, इस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं ये फार्मर्स ही। ऑल्दो मैनेजमेंट किसी और के हाथ में होती है। अब ये सोसाइटी किसानों को 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, तो एओ ने बताइए क्या व्यू लिया होगा? ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा। एंड देयरफॉर सेक्शन 36 में एक सबसेक्शन लेके आए, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, द फॉलोइंग डिडक्शंस अलाउड टू यू, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर फॉर परचेज ऑफ शुगर केन एट अ प्राइस विच इज इक्वल टू और लेस देन द प्राइस फिक्स्ड और अप्रूव बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट का मतलब समझाया कि सरकार एक स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस फिक्स करती है और फिर एक एफसीपी होता है, फाइनल केन प्राइस, जो किस बेस पे डिसाइड होता है? प्रॉफिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पैरा 17.2 में सरकार कह रही है कि एओ जो है, जो 100 रुपए एक्स्ट्रा पे के जा रहे हैं, उसे डिसअलाउ करें इन द हैंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सीइंग दैट इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एंड देयरफॉर in bold, in order to provide certainty in this matter and to encourage the cooperative movement in the sugar sector, a new clause is inserted to provide that amount paid for purchase of sugarcane by the cooperative societies engaged in manufacture of sugar at a price which is equal to or less than the price fixed or fixed with approval of government shall be allowed as deduction for computing the business of the cooperative society. Hence, for the purpose of computing business income of the cooperative society engaged in the business of manufacture of sugar, the price paid for the purchase of sugarcane, which has been fixed or approved by the government, shall be allowed as deduction under Section 36 of the Income Tax Act. आपके accounting standards mandatory हो गए। Ind AS बहुत सारे केसेस में मैंडेटरी हो गए। इंड एएस कहते हैं कि एम टू एम करिए, मार्क टू द मार्केट। अगर आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं, मान लीजिए 100 रुपीज के हिसाब से आपने 1000 शेयर्स फॉरवर्ड में लिए हुए हैं फ्यूचर मार्केट में, और 31 मार्च 2021 को प्राइस 90 हो जाता है, आपने बेचे नहीं है। बताइए अगर बेच देते फिर क्या होता? फिर तो लॉस बुक हो जाता, आपने बेचा नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप एम टू एम पे लेके आइए, यानी कि 10 रुपीज का लॉस बुक करिए। इसी तरह अगर परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो जाती है, उसका लॉस बुक करिए, फेयर मार्केट वैल्यू पर स्टेट करिए। इंड एएस कंपलसरी हो गए। अब इशू उठा कि हम तो कंपल्शन की वजह से 10 रुपए का लॉस बुक कर रहे हैं, डिमिनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंड एएस कमिंग कंपलसरी, तो क्या ये आपको डिडक्शंस अलाउ हो जाएंगी? इन्होंने कहा 36(1)(18) लेके आए, मार्क टू द मार्केट और अदर एक्सपेक्टेड लॉसेस एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आईसीडीएस विल बी अलाउड। यानी हम एम टू एम एक्सपेक्टेड लॉसेस कौन से अलाउ करेंगे? जो आईसीडीएस बताते हैं। बताइए गवर्नमेंट यहां क्या कहना चाहिए? यानी वी विल नॉट एग्री विद द इंड एएस। सो मार्क टू द मार्केट लॉसेस, बताइए इंड एएस कौन सा मार्क टू द मार्क अलाउ करता है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस में, कि आप जो डेटर्स क्रेडिटर्स हैं वो 31 मार्च को स्टेट करिए, वो तो अलाउ हो जाता है। बट जो मेरे बाकी मार्क टू द मार्केट लॉसेज हैं वो मेरा आईसीडीएस डिसअलाउ करता है। तो यहाँ इन्होंने लिखा कि हम अलाउ करेंगे एक्सपेक्टेड लॉसेस या फिर मार्क टू द मार्केट लॉसेस एज पर आईसीडीएस, और कॉरेस्पॉन्डिंगली इन्होंने सेक्शन 40A अमेंड किया। फोर्टी ए क्या होता है? 40A डिसअलावेंसेस, डिसअलावेंसेस। सो 40A इज डिसअलावेंसेस। चाहिए इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर है? पेज 169 पे 40A है, पेज 169 पे 40A है। The following disallowances shall be made. The following disallowances shall be made. आइए पेज 180 पर, सेक्शन 40A(13) लेके आए। No deduction or allowance shall be allowed in respect of any mark to the market loss or other expected loss except as allowable under 36(1)(18)। और 36(1)(18) कहता है आईसीडीएस वाले हम अलाउ कर देंगे। आईसीडीएस स्पेसिफिकली क्या डिसअलाउ करता है? Mark to the market losses on the various contracts. Padi analysis. Specified assessees are required to mandatorily follow the accounting standards and Ind AS. As a result, they have to provide for certain expected losses and mark to the market losses as per Ind AS. As per the government, these expected losses and mark to the market losses are accounting adjustments and are not allowable as per Income Tax Act. Only the expected losses and mark to the market losses, which are computed as per provisions of ICDS, will be allowed as deduction. और इसको statutory recognition देने के लिए 36(1)(18) और 40A(13) लेके आए। इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ मार्क टू मार्केट लॉसेज नॉट अलाउड एज पर आईसीडीएस, ये अलाउ नहीं होते हैं। कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स राइट डाउन टू मार्केट वैल्यू वेयर मार्केट वैल्यू इज लोअर देन कॉस्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स को आपने डिम्यूनिशन कर दिया है, वो लॉस अलाउ नहीं होगा, ऑल्दो एज पर इंड एस आपको प्रोवाइड करना है। इंपेयरमेंट लॉसेस ऑन फिक्स्ड एसेट्स अदर एसेट्स ये अलाउ नहीं होंगे आपके, ऑल्दो इंड एएस के हिसाब से अकाउंट्स में प्रोवाइड करते हैं आप। लॉसेज अकाउंटेड इन केस ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेटल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही एडजस्टमेंट आप मुझसे पूछ रहे थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, आपने कहा था मार्क टू द मार्केट लॉस का क्वेश्चन था जो हमने डिसअलाउ किया हुआ है। तो अगर आपने डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हुए हैं, उसका लॉस कब बुक करेंगे इनकम टैक्स में? जब बेचेंगे उसे। अगर आपने मार्क टू द मार्केट प्रोवाइड किया हुआ है, वो लॉस डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर है? डेरिवेटिव गलत बोल रहे हैं। डेरिवेटिव कैन नेवर बी इन्वेंट्री। डेरिवेटिव कोई टेंजिबल चीज थोड़ी होती है। नो, नेवर। डेरिवेटिव तो एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। एक मिनट, चलिए आपने पूछ लिया ये बात, इन्होंने ये बात पूछी, मैं आज आंसर नहीं कर रहा। आपने एक बात पूछी, आंसर दिखाता हूं आपको, आंसर दिखाता हूं। ये कहते हैं कि डेरिवेटिव मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, उस केस में मार्क टू द मार्केट कर सकता हूं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव, द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी विल नॉट इंक्लूड डेरिवेटिव। तो हम नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे। वहां जो आप बात कह रहे हैं गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई की कि डेरिवेटिव स्टॉक इन ट्रेड में हो ही नहीं सकते आप। तो जो आप सोच रहे हैं किसी और ने भी सोचा होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर क्लेरिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्लास में जब मैं लूंगा इशू को तब बताऊंगा क्या पूछ रहे थे आप पूरी क्लास को। सो सी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मार्क टू द मार्केट लॉसेस अलाउ नहीं होंगे। डी, आपके इंड एएस में फेयर मार्केट वैल्यूएशन होती है, तो फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज फॉर विच फेयर वैल्यू मेजरमेंट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय द एंटिटी, इसको आप अलाउ नहीं करेंगे। लॉसेस रिकॉग्नाइज्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, ये भी अलाउ नहीं करेंगे। इंड एएस में अलाउ कर दे सारा। प्लस ये कुछ और एग्जांपल्स दिए जहां पर एक्सपेक्टेड लॉसेस अलाउ नहीं होते। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जहां एक्सपेक्टेड लॉसेस अलाउ नहीं होते। फॉर एग्जांपल, लॉसेस बिकॉज ऑफ पॉसिबल अनफेवरेबल आउटकम ऑफ पेंडिंग केसेस। आपका केस चल रहा है कोर्ट में, तो इंड एएस कहता है अगर आप हार गए तो क्या होगा, उसका प्रोविजन कर दीजिए, वो अलाउ नहीं होगा। एक्सपेक्टेड लॉसेस अलाउ नहीं होगा। sudden change in market condition or government policy which may have unfavorable effect on cash flow realization, so ये basically Ind AS से लिए गए हैं। Ind AS में आपसे इन पर provision करवाते हैं, expected loss book कराते हैं, but income tax पे कुछ allow नहीं करेंगे। Expected losses allowable and mark to the market losses allowable as per ICDS, ये कौन से हैं? ICDS provides that for the purpose of determining the income under the P/G/B/P, the valuation of inventory shall be at cost or NRV, whichever is lower. एक तो ये अलाउ करते हैं हम। नंबर टू, सिक्योरिटीज, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी बीसी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ICDS allows certain foreign exchange fluctuation laws as discussed in chapter of foreign exchange fluctuations. ICDS allows losses on construction contracts, service contracts. हम यहां पर partial completion method फॉलो कर सकते हैं। सो ICDS में सिर्फ इतना अलाउड है, बाकी सब डिसअलाउड। तो एक तो वैल्यूएशन, ये तीनों पॉइंट्स वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के हैं, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि मैंने पॉइंट कराया नहीं बी और सी। नेक्स्ट क्लास में मैंने अलग से चैप्टर रखा है इसके लिए। सो ICDS सिर्फ अलाउ करते हैं, एक तो स्टॉक को वैल्यू कर सकते हैं एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज और लायबिलिटीज डेटर्स क्रेडिटर्स को आप 31 मार्च के रेट पे कन्वर्ट करते हैं, वो लॉस अलाउबल हो जाता है आपका। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप पार्शियल कंप्लीशन मेथड फॉलो करते हैं, उससे लॉस आएगा, लॉस अलाउ हो जाएगा, बाकी कुछ अलाउ नहीं होगा। तो बेसिकली आप देखिए ये सब कुछ डिसअलाउ हो जाएगा, मार्क टू द मार्केट लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस, इंड एएस के हिसाब से अपने जो वैल्यूएशन मतलब स्टेट किए ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, उससे लॉस आ गया, ऑल दिस विल बी डिसअलाउड। Diminution in value of investments, diminution in value of assets, all are to be disallowed. Clear है? अच्छा एक बात बताइए, अगर M2M करने से गेन आ जाता है, बिकॉज इंड AS तो M2M कहता है, उसे गेन भी आ सकता है, और इंड AS तो गेन भी रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं, तो M2M का लॉस आता, लॉस अलाउ नहीं होगा, गेन आ गया तो क्या गेन टैक्सेबल कर देंगे हम? CBDT ने क्लैरिफाई किया M2M loss, expected loss shall not be recognized unless recognition is as per ICDS. Similar principle of M2M losses, expected losses shall apply to MTM gains and expected gains also. इनको भी income नहीं मानेंगे हम. Clear है? चलिए अब कुछ chapters निकाल लेते हैं, कुछ chapters निकालने शुरू करते हैं. पेज 67 पर आइएगा. ये तो देखिए, जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं उन पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता. क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगता है. और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डेप्रीसिएशन के रेट्स प्रोवाइडेड है. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डेप्रीसिएशन के रेट प्रोवाइडेड है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसएलएम. हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर एट द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स. अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ऑप्शन दिया गया, या तो आप WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट फॉलो कर लीजिए या फिर आप सिंगल एसेट मेथड फॉलो कर लीजिए, बट एक बार जो आपने चूज कर लिया लाइफ टाइम के लिए, ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते. सो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को फर्स्ट टाइम ऑप्शन मिला जब कंपनी बनी कि या तो आप WDV और ब्लॉक ऑफ एसेट्स मेथड फॉलो कर लीजिए जो हरसासी करता है, या फिर आप SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ईच सिंगल एसेट फॉलो कर लीजिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अलाउड है. और एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो आप फिर चेंज नहीं कर सकते. सो पेज 67. सो असेसीज अगर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रहा है, उसका ऑप्शन है टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन SLM मेथड ऑन ईच एसेट, या फिर जो हम नॉर्मल मेथड लेते हैं WDV और ब्लॉक ऑफ एसेट्स. इधर देखिएगा, सपोज मेरी एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, SLM रेट 8% है, 8,000 हो गया, 12 साल में कितना हो गया मेरा? 96,000. अब 13th ईयर में मैं कितनी क्लेम करूंगा डेप्रिसिएशन? 4,000. सो लॉ कहेगा जो टोटल डेप्रिसिएशन होगी दैट विल नॉट एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट. नंबर 2, अगर एसेट मैं साल के दौरान खरीदता हूं एंड पुट टू यूज करता हूं फॉर लेस देन 180 डेज तो क्या होगा? डेप्रीसिएशन 50% रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है. सो ये है सेक्शन 32(1)(1). सेक्शन 32(1)(1) ऊपर लिखिए हेडिंग. अभी बात करते हैं. हाँ, बेनिफिट देने का लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये कहा जो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में फॉलो कर रहे हैं वही कंपनीज एक्ट में, वही इनकम टैक्स एक्ट में फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स में अलग से शेड्यूल्स ना बनाने पड़े. सेक्शन 32(1)(1) इज SLM डेप्रिसिएशन प्लस सेक्शन 32(1)(3) इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन प्लस हमने सेक्शन 41 की सीरीज की थी कि एक्सपेंस क्या रिकवरी होगी टैक्सेबल हो जाएगा। 41(1) किया था एक्सपेंस रिकवरी रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी, 41(4) किया था बैड डेट रिकवरी, 41(3) किया था सील ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, 41(2) ये आ गया। सेक्शन 58, सेक्शन 32(11) कहता है एनरसेसी इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शैल बी अलाउड डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर बीइंग टेंजिबल एसेट्स नो हाउ पेटेंट्स एक्सेट्रा बीइंग नॉन इंटेंजिबल एसेट्स। यहां पर भी अमेंडमेंट आ गई फाइनेंस एक्ट 21 की, नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस और profession owned wholly or partly by the lessee and used for the purpose of business। वो जो हमने सारे concept किए थे 32(12) में वो यहां लग जाएंगे। तो depreciation को allowed at the prescribed rates on the actual cost of each asset on the straight line method of depreciation। यहाँ SLM basis पर आपको depreciation अलाउ होगा। prescribed rates income tax act में दिए हुए हैं rules में, और ये rates वही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, डेप्रिसिएशन के वही रेट्स इनकम टैक्स वालों ने कॉपी कर लिए हैं। Keynote 1 कहता है कि वेयर आपने एसेट को साल में एक्वायर किया और पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर, तो जो डेप्रिसिएशन है आपका 50% हो जाएगा। Note 2 कहता है कि जो टोटल डिडक्शन डेप्रिसिएशन का है Under this section will not exceed the actual cost of the asset। आपको याद होगा जब आप डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट कर रहे थे, जब आपने डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट किया था तो मैंने आपको कहीं लिखवाया था कि अप टू असेसमेंट 87-88 ऐसा होता था। वो निकालेंगे, एक मिनट कहां लिखा था हमने, लास्ट में लास्ट पेज। हमने कंसेप्ट किया था कि 1 लाख का एसेट है, 10,000 की डेप्रिसिएशन अलाउ हो गई। केस 1 था कि मैंने एसेट बेचा कितने का, 72,000 का। सो देखिए 1 लाख का एसेट था, 10,000 डेप्रिसिएशन अलाउ हो गई, WDV 90,000 बची, और मैंने एसेट सेल किया कितने का, तो मैंने क्या किया 18,000 रुपये। क्या हो जाएगा आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, जिसे हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते थे। सेम कंसेप्ट यहां पर कॉपीड है कि 18,000 हम आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे प्रोवाइडेड आप 18,000 को राइट ऑफ करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। केस 2 मैंने एसेट कितने का बेचा था, 98,000, तो हमने क्या किया था 8,000 इज टैक्सेबल एज P/G/B/P। हमने कहा था इज टैक्सेबल एज बैलेंसिंग चार्ज, ये 41(2) है, ये 41(2) है। देखिएगा 32(13) इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सुन लीजिए इसमें कह रहे हैं, सुन लीजिए मैं पढ़ नहीं रहा, कि अगर आपने एसेट बेच दिया, कौन सा एसेट जिस पर आप एसएलएम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे, बेच दिया या डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिली, और जो सेल प्राइस इंश्योरेंस कंपनसेशन है दैट इज लेस देन द WDV, तो जो डिफरेंस है बिटवीन द WDV एंड सेल प्राइस इट विल बी अलाउड टू यू एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड उसे आप राइट ऑफ करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट में। वही है बिल्कुल, अगर एसेट आपने सेम ईयर में खरीद के सेम ईयर में बेच दिया फिर तो कैबियंस राइज होगा। सो Note 1 में है कि अगर एसेट आपने सेम ईयर में खरीद के सेम ईयर में बेच दिया फिर तो कैबियंस राइज होगा। 41(2) इस बैलेंसिंग चार्ज, बिना पढ़े बताइए बैलेंसिंग चार्ज में क्या लिखा होगा, sale price is greater than WDV, then concept मैंने concept कराया था। मैंने कहा था सेल प्राइस माइनस अनअमोर्टाइज कॉस्ट और डिडक्शन अलाउड विच एवर इज लोअर इज पीजीपी वेयर एनी बिल्डिंग एटसेट्रा इज सोल्ड डिस्कार्डेड वगैरह मनी इज पेबल एक्सीड्स द डब्ल्यूडीवी। Then least of the following is taxable as P/G/B/P. क्या डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड WDV ये क्या हो गया? नहीं क्या बोल रहे हो आप प्लीज? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड WDV दिस इज डेप्रिसिएशन अलाउड टिल डेट और डिफरेंस बिटवीन द मनी इज पेबल एंड WDV सेल प्राइस माइनस अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट तो वो P/G/B/P भी बन जाएगा आपका। यही मैंने आपको कंसेप्ट कराया था, आपसे कहा था वो कंसेप्ट आपको जगह जगह हेल्प करेगा। देखिए हेल्प कर रहा है आपका ये, ठीक। अच्छा एक मिनट, हाँ इट्स डेप्रिसिएशन ओनली, जो 32 था वही लगेगा उसके लिए भी। अ पावर जनरेटिंग यूनिट परचेज अ मशीनरी ऑफ 10 लाख ऑन 1121 ऑन विच डेप्रिसिएशन रेट इज 7.84% ऑन SLM बेसिस। मशीनरी इज सोल्ड ऑन 31/12/21 फॉर, हमने 4 केसेस लिए 5 लाख 960, 980, 12 लाख। अब प्रीवियस या 21 में डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको 78,400, इसका 50% बिकॉज एसेट यूज है फॉर लेस देन 180 डेज। सो 78,400 का 50% हो गया कितना 39,200। सो 39,200 आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, असेसमेंट है 21/22 में और WDV रह जाएगी आपकी 960। अगर आपने एसेट बेचा है 5 लाख रुपए का तो क्या होगा 468,800 विल बी अलाउड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर 32(1)(3) प्रोवाइडेड इन असेसमेंट 22(23) प्रोवाइडेड असेसी से राइट ऑफ कर लेता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 41(2) नहीं लगेगा और ना ही कैप गेन सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर एसेट बेचना है 960,800 का, टर्मिनल डेप्रिसिएशन nil, बैलेंसिंग चार्ज nil, नो कैप गेन्स 58 नॉट अट्रैक्टेड। अगर एसेट बेचना है 9,80,000 का तो 19,200 विल बी बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल अंडर 41(2)। और अगर ऐसे बेच रहे हैं 12 लाख का यानी कॉस्ट ऊपर बेच रहे हैं तो बैलेंसिंग चार्ज हो गया 39,200 एंड 50A के हिसाब से कैप गेन्स विल बी ₹2 लाख। दिस विल बी शॉर्ट टर्म कैप गेन्स 50A। Where the capital asset being an asset in respect of its deduction on account of depreciation under 32(1)(1) has been obtained by the assessor in any previous year is sold in any previous year and the sale price exceeds the actual cost. तो difference will be the short term cap gain। आप देखिए जो मैंने concept कराया था ना आपको, concept capital expenditure वाला वही चीज है सारा ये। तो देखिए मैंने summarize कर दिया। अगर एसेट जिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम की गई है SLM बेसिस पे वो बेचा जाता है सेल प्राइस लेस देन WDV ऑफ एसेट तो क्या करेंगे हम WDV माइनस सेल प्राइस, ये टर्मिनल डेप्शन अलाउ कर देंगे, कैप गेन्स राइज नहीं होगा। सेल प्राइस इज मोर देन WDV ऑफ एसेट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल एज P/G/P, डेप्रिसिएशन अलाउड टिल डेट, सेल प्राइस माइनस अनवर्ट एज कॉस्ट, एंड सेक्शन 50 में कैप गेन्स कब राइज होगा, सेल प्राइस इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए वो कंसेप्ट करने से हमारे सेक्शन कितने फटाफट निकल रहे हैं हमारे। चलिए हाँ, गुड क्वेश्चन, आई फॉरगॉट। एक एमसीक्यू है इस पर, सॉरी इनका क्वेश्चन है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं। चेक करिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन, सॉरी आई मिस दिस क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। इस पर इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बनाया हुआ है, पेज 28, एडिशनल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ एनी न्यू मशीनरी प्लांट अदर देन दिस 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 in the business of manufacture, production of any article thing, or in the business of generation, transmission of power. Next, a further sum equal to 20% of actual cost of such plant machinery shall be allowed as deduction under section 32(1)(2). Sir, इसमें transmission और distribution of power, अगर आप SLM फॉलो करेंगे, इन दैट केस एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउेबल। लिखिएगा पेज 67 पर, तो अब आपको समझ में आ रहा है मैं एमसीक्यूज क्यों नहीं दे रहा आपको। हाँ, यहां से जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर पर है। यहां तो आपको पूरे बिजनेस के लिए SLM फॉलो करना पड़ेगा। सो लिखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड if assessee follows SLM method under section 32(1)(1). सर, इसमें assessee की definition तो वही रहेगी जो भी electricity produce generate कर रहा है। In which the sale has taken place, तो इस चैप्टर पे दिमाग मत लगाइए, मैंने फिर भी करा दिया आपको हाफ हार्टेडली। लास्ट कंसेप्ट, आप प्रिंसिपल हैं, मैं एजेंट हूं। आप प्रिंसिपल हैं, मैं एजेंट हूं। आप रिलायंस हैं, मैं रिलायंस का एजेंट हूं। रिलायंस मुझे अपना क्लॉथ बेचता है, कपड़ा बेचता है 400 रुपीज पर मीटर में, मैं इसे आगे बेच देता हूं, कस्टमर को बेच देता हूं 480 रुपीज पर मीटर। सो आप देखेंगे दुकान में जाते लिखा होता है वी आर द ऑथराइज एजेंट ऑफ रिलायंस लिमिटेड। तो मैं कपड़ा बेचता हूं, रिलायंस का एजेंट हूं, रिलायंस से 400 में कपड़ा खरीदा, आपको बेच दिया 480 का। आप बताइए एजेंट की सेल कितनी मानेंगे, 480 या 80? अगर एजेंट अपनी बुक्स में 480 दिखाता है, एजेंट अपनी बुक्स में सिर्फ 80 दिखाता है, देन 80 मानता है तो वहां से परचेज नीचे सबसे मिसमैच करेंगे। जब टैक्स ऑडिट का कंसेप्ट इंडिया में आया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बहुत क्वेरीज आई कि टर्नओवर जो 1 करोड़ है उसके निकालने के लिए मैं क्या लूं, 480 या 80? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा हमारे पास मोर देन 200 क्वेरीज आई, हर कोई अपनी बातें कर रहा है। शेयर ब्रोकर बातें कर रहे हैं कि हम क्लाइंट के शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, तो हमारा टर्नओवर क्या होगा जो हमने सेल की, वो या कमीशन। हमसे ये जो ट्रैवल एजेंट है, इन्होंने पूछा कि हम टिकट बेचते हैं, एयरलाइन से खरीदा 10,000 का, कस्टमर को बेचा 11,000 का, हमारी सेल क्या है? एंड बोर्ड सेड, बोर्ड मीन सीबीडीटी सेड कि हमारे पास क्वेरीज की लाइन लग गई है, हम इंडिविजुअली इन क्वेरीज को आंसर नहीं कर सकते। बोर्ड ने कहा इंडियन मार्केट्स में 2 तरह के एजेंट्स माने जाते हैं ट्रेडिशनली, इनको नाम दिया जाता है कच्चा आहर्तिया, पक्का आहर्तिया। दिस इज derived from the Hindi word आरती। आरती means commission agent, आरती होता है ना, आरती commission agent। सो बोर्ड ने कहा कि हम जनरलाइज आंसर देते हैं आपको, 2 तरह के एजेंट होते हैं मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में जाने जाते हैं कच्चा आरतिया, पक्का आरतिया। पूरे वर्ल्ड में यही कंसेप्ट चलता है। कच्चा आरतिया कौन होता है? बोर्ड ने कहा कि आरती मीन्स एजेंट, प्रिंसिपल अगर एजेंट को गुड्स बेच रहा है, एजेंट अगर कस्टमर को बेचेगा, एंड प्रॉपर्टी इन गुड्स, टाइटल इन गुड्स एजेंट को ट्रांसफर नहीं हो रही। प्रॉपर्टी इन गुड्स, टाइटल इन गुड्स अगर एजेंट को ट्रांसफर नहीं हो रही, यानी अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब इसके पास है, तो भी कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। ये कच्चा आड़तिया होता है, ये कच्चा आड़तिया होता है। सो बोर्ड ने कहा कच्चा आड़तिया वो कमीशन एजेंट होता है जिसको कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टाइटल इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं होता, रिस्क रिवॉर्ड्स ऑलवेज रिमेन विद द प्रिंसिपल। एंड बोर्ड ने कहा कि अगर ये 400 का बेच रहा है, ये 480 का बेच रहा है, हम अकाउंटिंग एंट्रीज डिसरिगार्ड करेंगे। बताइए एजेंट की हम सेल्स क्या मानेंगे? 80 रुपीज। एजेंट की नॉट सेल, रिसीट्स, यानी ये सेल तो एजेंट की सेल है ही नहीं, यानी 80 रुपये जो कमीशन मिल रहा है वो उसकी ग्रॉस रिसीट्स है, और प्रिंसिपल की सेल क्या मानेंगे हम? 480। ये तो प्रिंसिपल बेच रहा है 480 का, 80 कमीशन दे रहा है इसे, बोर्ड का ये कच्चा आरतिया होता है। और यहां पर आप बुक्स में जो मर्जी एंट्री डालिए, हम नहीं मानते। हम तो इसकी रिसीट मानेंगे 80 रुपए, इसकी मानेंगे 480 रुपए। बोर्ड का पक्का आरतिया वो होता है जहां प्रॉपर्टी इन गुड्स, टाइटल इन गुड्स एजेंट को ट्रांसफर हो जाती है। यानी अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं देन the risk will be on the liability will be on the agent। ये पक्का आरतिया होता है। अगर पक्का आरतिया सेल कर रहा है फिर क्या होगा? फिर तो यही उसकी सेल्स मानी जाएगी। सो एजेंट की सेल 480 मानी जाएगी, प्रिंसिपल की सेल क्या मानी जाएगी? 400 रुपए। अभी ले लेते हैं प्लीज। पेज 256 पर आइए। पेज 256, नोट एट द बॉटम। In case of a kacha artiya, ownership in goods does not pass on to the agent. The title in goods remain with the principal. If the goods are destroyed, even if they are in the possession of the agent, then the principal is liable to bear the loss. In case of a kacha artiya, the sales effected by him on the behalf of the principal are not to be included in turnover of the agent, but only the gross commission will be included in the gross assets of the agent. Next page. In case of a pakka artiya, the ownership of goods pass on to the agent. The title in goods pass on to the agent. If goods are destroyed, the agent is liable to bear the loss. In case of a pakka artiya, the sales effected by him on behalf of the principal are his own sales and are therefore to be included in turnover the agent. यहां पर लिखिए ये स्पेस, यहां लिखिए। प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सेल कर रहा है, एजेंट कस्टमर को सेल कर रहा है। ये बेच रहा है 90 लाख की, ये बेच रहा है 108 लाख की। अगर कच्चा आड़तिया होगा तो क्या होगा? टर्नओवर ऑफ एजेंट क्या मानेंगे आप? टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल क्या मानेंगे आप? अगर पक्का आड़तिया है तो टर्नओवर ऑफ एजेंट क्या मानेंगे आप? टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल क्या मानेंगे आप? बताएंगे प्लीज कितना है? गुड 18 लाख, प्रिंसिपल 108 लाख, हेयर here. Good. ऐसा होता ही नहीं है, एजेंसी है तब भी नहीं बेचेगा वो, एजेंसी कमीशन है तो। देखिए एक मिनट भी करा, चलिए पहले आप बताइए, एयर ट्रैवल एजेंट है, बताइए एयर इंडिया से टिकट खरीदती आगे बेचता है, क्या है, कच्चा आरती है पक्का आरती है, कच्चा आरती है। एयरलाइन की टिकट 10,000 के खरीद के 11,000 की बेची तो उसकी कमीशन 1,000 मानी जाएगी। लेकिन सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि उसने मुझसे कितना खरीदा, जैसे ये हो कि मतलब आप कह रहे हैं ना कि प्रिंसिपल की जो सेल होगी उसमें 110 माना जाएगा, ये ट्रैवल एजेंट नहीं हो गया ट्रैवल एजेंट। चलिए हाँ, उसको कैसे पता लगेगा कि 11,000 किसने मुझे बेची है, क्योंकि वो तो अपना इनवॉइस भेज करेगा ना मुझे, इनवॉइस कौन जो एजेंट है वो 11,000 का मुझे बेच रहा है। एक मिनट, एयर इंडिया ने टिकट बेचा थॉमस कुक को 10,000 का, इसने बेचा मुझे 11,000 रुपए का। अब बताइए 1,000 रुपए इसकी सेल प्राइस होगी, इसकी सेल प्राइस 1,000 हो जाएगी और इसकी 11,000 होगी, इसकी 11,000 होगी। ठीक है, इसकी बुक्स में तो 10,000 ही आ रहा है, 11,000 उसको पता कैसे लगेगा, किसकी बुक्स में, एयर इंडिया की बुक्स में। एयर इंडिया अपना आईडी फाइल करेगा, एयर इंडिया तो इस टिकट का मालिक है। अगर प्लीज सी, ये तो सिर्फ जैसे सिम कार्ड बिकवाता हो ना एयरटेल वाले, तो प्रॉपर्टी तो एयरटेल की रहती है, सिम कार्ड लो तो एजेंट है बस। और एयर इंडिया बताएगी इस प्राइस से ऊपर नहीं बेचेंगे आप, इस प्राइस से कम नहीं बेचेंगे आप। आप कुछ कह रहे थे, लास्ट इशू वो तो करनी पड़ती है, वो तो करेगा। देखिए जो कच्चा, सपोज मैं प्रिंसिपल हूँ, आपको गुड्स दे रहा हूँ, बेच दीजिए, और ये है कि अगर गुड्स आपके पास भी डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं लॉस भी करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, आपको पूरा कंट्रोल करूँगा, आपको जिस मर्जी प्राइस पे थोड़ी बेचने दूंगा, मैं बताऊँगा इस प्राइस पे बेचिए आप, आपकी इतनी कमीशन है। हम सेक्शन 40A3 में कंसेप्ट नहीं कर पाए थे, पेज 176। आप भूल जाएंगे, मैं नहीं भूलूंगा, आप भूल जाएंगे, मैं नहीं भूलूंगा। पेज 176 आंसर मत पड़ेगा, अपने आप आंसर कर लीजिएगा कंसेप्ट। A3 कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 डिसअलाउड। प्रिंसिपल ने एजेंट को सेल की गुड्स 3,00,000 की, एजेंट ने कस्टमर को बेची 3,25,000 की, एजेंट कैश पेमेंट कर देता प्रिंसिपल को, 40A3 लगेगा या नहीं। मैं आंसर नहीं कर पाया था उस समय। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स बेची 3,00,000 की, एजेंट ने कस्टमर को बेची 3,25,000 की, एजेंट ने 3,00,000 का जो परचेज प्राइस था प्रिंसिपल को पे कर दिया कैश में, कैश कैश। यही तो बात है। अगर ये पक्का आड़ती है फिर क्या होगा, एक मिनट, इसकी परचेज क्या मानी जाएगी, 3,00,000, इसने परचेज प्राइस 3,00,000 कैश में पे कर दिया तो क्या होगा, इसको 3,00,000 डिसअलाउ हो जाएगा, इसके हाथ में क्या होगा, 2 सेक्शन ST लग जाएगा अगर ये कच्चा आड़ती है। मुझे पता नहीं, जब तक प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे तब तक नहीं होगा कुछ, रटते रहेंगे कुछ नहीं होगा। ए एजेंट अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ए एजेंट के लिए क्या कच्चा आरतिया, कच्चा आरतिया, कच्चा ए एजेंट 25,000 कमीशन बुक करेगा अपनी, बस इनकम बुक करेगा 25,000। इसकी तो परचेसेस नहीं है वाली, यहां डिसअलाउंस का मतलब नहीं उठता। इसके हाथ में 260 एसटी लग जाएगा। Where a pakka artiya purchases goods from the principal and makes the payment exceeding 10,000 in cash, then section 40A3 shall be applicable since purchases made by the agent are his own purchases. Therefore, in case of pakka artiya 3 लाख disallow हो जाएगा। Same is not the case with kacha artiya because वो purchase जो है उसकी purchase है ही नहीं। Therefore, in kacha artiya 40A3 नहीं लगेगा। लेकिन दोनों केसेस में 2 सेक्शन एसटी लग जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से कंसेप्ट बन रहे हैं। तो 40A3 हमारा आज जाके खत्म हुआ है। इनफैक्ट पूरा सेक्शन 40A हमने 40A13 छोड़ दिया था, वो भी आज कंप्लीट किया, तब जाके सेक्शन कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक काम करिएगा, होमवर्क में क्वेश्चन 1 to 40 कर लीजिएगा। इसमें से मोर देन 50% आप कर चुके हैं और मुझे मालूम है टाइम का कॉन्स्टेंट है। पढ़ के कर लीजिए, बस लिख के मत करिए, पढ़ के कर लीजिए। एटलीस्ट एक बार नज़र से निकल जाएंगे, काफ़ी है। सो क्वेश्चन 1 to 40 करिए। ये क्लास सैटेलाइट वालों के लिए भी है। सो क्वेश्चन 1 to 40 करिए और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं आप। और लिख के मत करिए, पढ़ के कर लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझे सारे कंसेप्ट्स आते हैं। विल स्टॉप हियर।